ठीक है जी, बस हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को दी बाइबल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। आज हमारे दी रेटरिक सीरीज का पहला सेशन है और इसका टॉपिक, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कि पाकिस्तान डेट क्राइसिस, इज देयर अ वे आउट। इस पे हम बात करने के लिए हमने गेस्ट स्पीकर को इन्वाइट किया है, उसके तारुफ मैं आपको करवाता हूँ। रेटरिक जो हमारी सीरीज है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि जो इंसानियत को बिलमूम दरपेश मसाइल हैं, और बिलखसूस जो मुसलमानों को दरपेश मसाइल, अरे बात है, हमने दोनों एस्पेक्ट से इसको कवर करना, सोशल डोमेन, पॉलिटिकल डोमेन, इकोनॉमिक डोमेन, तो उस सब को हम यहाँ पे जेर बहस लेके आएंगे। और नेशनल लेवल पे जो भी मसाइल हैं उनको भी हम देखेंगे, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो मसाइल हैं उन सबको भी हम जो है इन सीरीज ऑफ सेशंस में कवर करेंगे। और मकसद यह है कि इस हवाले से तो अवेयरनेस लोगों के दरम्यान आम की जाए, और फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं उनकी तरफ भी हम जाएं, और इस हवाले से भी अवेयरनेस को आम करें। और इसमें भी तीसरा एस्पेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम बतौर इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम अपना अपनी अपनी कौम का भी एक बेहतर मुस्तकबिल जो है इंश्योर कर सकें, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी एक बेहतर मुस्तकबिल जो है इंश्योर कर सकें। डेफिनेटली इसमें सिर्फ मकसद यही नहीं है कि हम सिर्फ बात को सुन लें और बात यहाँ तक ही रहे, बल्कि हमारा मकसद यह है कि लोगों को इनेबल करें कि वो आगे बढ़ के अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो कुछ भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एजेंडा है हमारा, हमारे सीरीज ऑफ सेशंस का इंशाल्लाह। तो आज का टॉपिक बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जो खास तौर पे इस डेट क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, और बहुत बड़े सवाल भी पैदा हो चुके हैं कि आया पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, आया पाकिस्तान का हाल वही होगा जो श्रीलंका का होगा। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो इस सबको एड्रेस करने के लिए हमने जो इन्वाइट किया है, जो इस टीम के हमारे गेस्ट हैं, वो ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। वो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाइट के अंदर। इससे पहले जो उनका जो करियर रहा है, वो ही हैज बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे पहले एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं कादर यूनिवर्सिटी में, और डिप्टी डायरेक्टर भी रहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। जो उनके रिसर्च इंटरेस्ट हैं उनमें, उसमें ओवरऑल जो है इकोनॉमिक पॉलिसी आता है, फिर इंक्लूडिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी, इन्फ्लेशन को कैसे देखना है, एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, डेट सस्टेनेबिलिटी, ऑस्टेरिटी मेजर्स कैसे क्या होते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट होता है, सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डिजिटल मनी, इस सब के हवाले से वो जो है उनका उनकी इंटरेस्ट है इसमें, कि वो इस पर बात भी करते रहते हैं, उनका रिसर्च भी उनके इस वाले से, उनकी रिसर्च टॉपिक्स, रिसर्च जो पेपर्स हैं वो भी छपते रहते हैं। पाइट का जो अपना चैनल है, अगर आप उनसे देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ही इज़ वेरी एक्टिव इन दैट एज वेल। तो यानी आमतौर पर यह देखा गया कि जो एकेडमिया से लोग ताल्लुक रखने वाले होते हैं, वो इतना ज़्यादा कम्युनिटी के साथ उनका एक्सचेंज, उनका जो है कनेक्शन नहीं होता। बट डॉक्टर अब्दुल जलील साहब जो हैं, ही इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द कम्युनिटी। सो आई एम श्योर यू वुड लव दिस सेशन, यू विल एंजॉय दिस सेशन। सेशन इतना होगा कि 45 मिनट्स इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को देंगे, वो प्रेजेंट करेंगे अपने लेक्चर को। उसके बाद फिर हम 45 मिनट्स हम रखें क्यू एंड ए के लिए, चाहे क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए। जरूरी है कि आप सेशन के लिए जरूरी है कि आप अपने क्वेश्चन जो है रिटर्न हमें दें, हम प्रेफरेंस देंगे रिटर्न क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन दोनों जगह पे दे सकते हैं, आप जो भी एडमिन्स हैं, जो ग्रुप आपके लिए बनाया गया था उसके उनके जो एडमिन्स हैं उनको भी आप अपने क्वेश्चन जो हैं सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो जूम सेशन है उसके जो चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस जो है सबमिट कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस दे देंगे रिटर्न क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लाइव क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और लाइव क्वेश्चंस में हमने आप सबके जो माइक्स हैं वो म्यूट कर दिए हैं, अब आप उनको खुद नहीं ओपन कर सकेंगे। तो डेफिनेटली आप, अगर आप अपने बात करनी है, जब वक्त आएगा, जब मैं आपसे कहूंगा, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। जब आप रेज हैंड करेंगे तो फिर उसी सीक्वेंस से जिसने पहले रेज हैंड किया होगा उसको मौका मिलेगा कि वो अपना लाइव क्वेश्चन भी जो है सामने रख सके। तो आई थिंक अब ज्यादा वक्त हम नहीं देंगे, ओवर टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर जो है, आप डॉक्टर साहब आप शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवाज मेरी आ रही है सर आपको?
बिल्कुल आवाज ठीक है आपकी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके फोरम का, आपके इंस्टीट्यूट का, दावत दी आपने। खुशी हो रही है, ज्यादा खुशी इस बात पे हो रही है, कम से कम दो स्टूडेंट मेरे मैं सामने देख रहा हूँ, एक तो अब्दुल कादर को और एक डॉक्टर कफायतुल्लाह को। तो जब आपका अपना स्टूडेंट सामने मौजूद हो तो काफी हौसला हो जाता है, कम से कम दो लोग तो ठंडे दिल से बात सुनेंगे तो इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। बहरहाल बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि बात को आसान तरीके से समझाया जाए और आसान तरीके से किया जाए ताकि बात आपको समझ भी आए, आपको बात सुनने में मजा आए, मुझे बात करने में मजा आए और हम लोग इंजॉय कर सकें इस सेशन को। देखें जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जी के पाकिस्तान का जो डेट क्राइसिस है वो क्या है और पाकिस्तान का जो डेट क्राइसिस में कोई वे आउट है या नहीं है। जज्बातियत से हट के, मतलब हर चीज को एक तरफ रखें आप, जज्बाती मतलब नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे जज्बाती होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बड़े आसान से लफ्जों में एक बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी डेट क्राइसिस है इसका निकलने का कोई आसान हल और कोई जल्दी वाला हल मौजूद नहीं है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरी इस फील्ड में मतलब काफी टाइम हो गया अब इसको, जब मुझे लेक्चर की दावत दी गई थी तो मैं काफी देर तक खुद से मैंने सवाल किया कि वाई मी, मुझे क्यों बोलना है। तो जो मेरे पास जस्टिफिकेशन थी वो यही थी कि मैं चूंकि इकोनॉमिक्स के फील्ड में पिछले 20-22 साल से मौजूद हूँ तो शायद मैं इस टॉपिक को जानता हूँगा, मैं इस पर बात कर सकता हूँ और मैं बगैर किसी जज्बातियत के बात कर सकता हूँ। तो मैं बड़े ठंडे दिल से मतलब और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं यहाँ पे बिल्कुल शुरू में क्लेम लूंगा कि पाकिस्तान का जो डेट क्राइसिस है ये इसी तरह से अगले 15-20 साल चलेगा और इसमें इसका इससे निकलने का कोई आसान हल हमारे पास मौजूद नहीं है। उसकी अब इस सारे क्लेम की वजह क्या है? वजह यह है कि हम इस डेट क्राइसिस में बड़ी आसानी से फंसे भी नहीं है और कोई 2-4 सालों में फंसे भी नहीं है। हम पिछले हमने कमोबेश 30 साल लगाए हैं यहाँ तक आते आते, जिस पोजीशन में हम पहुंचे हुए हैं, मतलब हमें कम से कम 30 साल लगे हैं इस हालत में पहुंचने में, जहां पे दुनिया 30 सालों में अच्छी तरफ जा रही थी तो हमने एक उल्टी तरफ सफर शुरू किया हुआ था। दुनिया से मुराद मैं कोई मतलब को बहुत बड़े कंट्रीज नहीं ले रहा हूँ, दुनिया से मुराद मैं बांग्लादेश को ले रहा हूँ, दुनिया से मुराद मैं वियतनाम को ले रहा हूँ, दुनिया से मुराद मैं इंडिया को ले रहा हूँ, चाइना को ले रहा हूँ। ये वो लोग थे जो 30 साल पहले या 35 साल पहले हम तकरीबन एक पेज पे खड़े थे और मतलब मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह सकता हूँ कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के नंबर थे, जो हमारे इंडेक्सेस थे, जो हमारे अशारिये थे इकोनॉमिक्स को समझने समझाने वाले, वो हमारे इन कंट्री से ज्यादा अच्छे थे। और आज एक ऐसा वक्त है कि हम मतलब हम इस वक्त एक एक, एक, एक सर्वाइवल के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन अब ये सारी बात करने का, शुरू में डराने का मतलब ये बिल्कुल ये भी नहीं है कि मैं अल्लाह ना करे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है या पाकिस्तान किसी ऐसे क्राइसिस में जाने लगा है कि जहां से हमारी वापसी नामुमकिन हो, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब एक मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त आने वाले 10-12-15 साल मजीद मुश्किल वक्त रहेगा। मतलब ये वही बात है जिसको मैं आखिर में कंक्लूड कर रहा हूँगा और इस बात ये इस स्टांस को लेने के लिए मैं अगले 30-35 मिनट आपको बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं ये स्टांस क्यों ले रहा हूँ। देखिए बड़े सादे से तरीके में एक बात को समझें कि हम पिछले 60 सालों में कम से कम 23 दफा IMF के पास कर्जा लेने के लिए गए हैं। मैं इसको इस बात को इस तरह से समझाया करता हूँ कि देखिए आप एक गाड़ी को बाहर निकालते हैं और अगर आप एक गाड़ी रोड पे लेके आते हैं और वो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है तो आप मैकेनिक को बुला के ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो दोबारा बंद हो जाती है, आप दोबारा मैकेनिक को बुलाते हैं, वो दोबारा ठीक होती है, आप तीसरी बार करते हैं, आप चौथी बार करते हैं, आप पांचवी बार करते हैं। जब आप रिपीटेडली ये इवेंट्स कर चुके होते हैं तो आपको मतलब ये कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि यार देखो इसके कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, इसके कोई मॉडल में मसला है, इसके कोई डिजाइन में मसला है, इसके कोई इंजन में कोई स्ट्रक्चरल इशू है, कोई ऐसा इशू है जो जो इस मैकेनिक से या इस कॉस्मेटिक से या इस छोटी मोटी टक पटक से ठीक होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो देखें पिछले 60 सालों में 23 दफा पाकिस्तान IMF के पास कर्जा लेने के लिए गया है और जो IMF के पास कर्जा हम लेते हैं वो किसी सड़क बनाने के लिए नहीं होता है, वो किसी अस्पताल बनाने के लिए नहीं होता है, वो कोई डिस्पेंसरी बनाने के लिए नहीं होता है, वो किसी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि आपने अपना अपना जो
दुनिया के साथ लेन देन है, जो आपने कर्ज ले रखा है और जो कर्ज आपने दे रखा है उसकी हम अपनी जुबान में कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए। मैं उसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा दुनिया से हमने जो डेट लिया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी जो डेट लिया हुआ है उसे सेटल करने के लिए हम IMF के पास जाते हैं कि देखो अब हम डूबने लगे हैं, जो जिससे हमने कर्जा लिया वो हमारा सर फाड़ रहा है, तो तुम हमें कुछ और कर्जा दो कि हम जिससे हम चीजें ठीक कर लें। तो वो हमने पिछले 60 साल में हम 23 दफा उसके पास गए हैं। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज हम तकरीबन 2 सालों के बाद, 2.5 सालों के बाद हम IMF के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। अब इसी को ना एक बड़े सादे से लफ्जों में ले आए कि एक आम आदमी से अगर हर 2.5 साल के बाद कर्ज लेता है तो उसकी माली पोजिशन क्या होगी। एक आम आदमी एक मुल्क के इदारे से बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि एक मुल्क दूसरे इदारे से अगर हर 2.5 साल के बाद कर्जा लेता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी। मैं कह रहा हूं कि एक आम आदमी से कर्ज लेता है, वो हर 2.5 साल के बाद कर्ज लेता है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी माली पोजीशन ऐसी है कि मतलब कि उसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन उठाया जाए कि तुम्हारा भाईजान स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तुम हर 2.5 साल के बाद मेरे पास खड़े होते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान सिर्फ IMF के पास 2.5 साल के बाद गया, बाकी तो गया ही है। वर्ल्ड बैंक के पास गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गया है, डिफरेंट कंसोर्शियम के पास गया है, प्राइवेट बैंकों से लोन लिए हैं, बाकी प्राइवेट कंसोर्शियम से लोन लिए हैं, बाकी और बहुत सारी जगह से हमने, जहां से हमारे हथे लगा है हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है। तो द आइडिया इज दैट कि हम IMF के पास गए हैं, जो आजकल जो बड़ा जेरे बहस है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे इकोनॉमी के बेसिक फैब्रिक में मसला है, हमारी इकोनॉमी की बेसिक स्ट्रक्चर में मसला है। वो मसला क्या है जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं, और जब तक वो मसला ठीक नहीं होगा तब तक हम इस डेट क्राइसिस से नहीं निकल सकते हैं। वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो निकलना आसान नहीं है और वो जल्दी भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगले 15-20 सालों में हम 10-12-15 सालों में हमको बड़ी वो हमें वो शहबाज शरीफ साहब उस दिन क्या रहते ना कि हम बड़ी मेहनत करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल बॉस, ये नहीं हो सकता। ये जज्बाती बातें हैं लोगों को सुनाने के लिए, ऐसा ठीक होने वाला कंट्री अब नहीं है। मैं आज से 99 में मैं जब पढ़ा करता था कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम जो मेरे उस्ताद थे डॉक्टर इतजाज साहब और डॉक्टर असलम चौधरी साहब, उस वक्त ये आर्टिकल लिखा करते थे, द डेट ट्रैप ऑफ पाकिस्तान। 23 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 23 साल पुरानी बात में डेट ट्रैप डिस्कस हो रहा था और डेट के इश्यूज डिस्कस हो रहे थे। 23 साल के बाद भी आज हम डेट डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इन 23 सालों में चीजें ठीक नहीं हुई हैं और 23 सालों में चीजें मजीद खराब हुई हैं, तो उसका मतलब है कि हमें टाइम चाहिए। वजह क्या हुई है, 3-4 बड़े स्ट्रक्चरल मसले हुए हैं जिसकी वजह से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। पहली बड़ी बात है कि पाकिस्तान में या तो पॉलिसी बनी नहीं है, और अगर पॉलिसी बनी है तो वो एक पुअर पॉलिसी फॉर्मेशन थी। देखिए पॉलिसी का मतलब क्या है, पॉलिसी का मतलब यह है कि हमारे जिस वक्त आपकी जो मार्केट है, जो आपकी बाजार है, जो आपका वो लेन और देन ठीक ना हो रहा हो, वो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हो, आप कोई चीज देना चाह रहे हो और आप ले ना सक रहे हो, तो उस वक्त हम उसे कहते हैं अपनी जबान में कि मार्केट फेल हो रहा है। मिसाल मैं इसकी ऐसी देता हूं कि मिसाल के तौर पे कि आपके पास पैसे हैं, आप अच्छे पैसे लगा सकते हैं, लेकिन अच्छे पैसे लगाने के बावजूद अगर आपको अच्छी हेल्थ नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो हेल्थ मार्केट है वो फेल हो गई है। आपके पास अच्छे पैसे मौजूद हैं, आपके पास 2-2.5 लाख रुपए महीना अगर आप सेमेस्टर के पे कर सकते हैं, लेकिन इवन देन आपको 2-2.5 लाख रुपए महीना पे करने के बावजूद 2-2.5 लाख रुपए महीने वाली अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है, 2-2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर की अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी एजुकेशन मार्केट फेल हो चुकी है। तो मार्केट फेलवर जहां पे मौजूद होती है वहां पे गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, वहां पे गवर्नमेंट आके इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट आके उस मार्केट को चलाने की कोशिश करती है। तो जहां पे आपकी मार्केट फेल हो चुकी होती है, मार्केट को चलाने के लिए गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है, उस इंटरवेंशन का मॉडल कैसे सेट होगा, वो कैसे इंटरवीन किया जाएगा, वो किस इशू के लिए कौन सी इंटरवेंशन दी जाएगी, उसका आउटकम क्या होगा और उसको एवेल्युएट किया क्या जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को पॉलिसी कहते हैं। हमने आज तक कोई रिसर्च बेस्ड ऐसी पॉलिसी, इंडिजिनस पॉलिसी नहीं बनाई है जिसको हम कह सकें कि इस पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है। हमें जो भी पॉलिसी बना के दी है, हमें डोनर ने बना के दिया, डोनर से मरा दिया कि वर्ल्ड बैंक वाला आएगा वो हमारी पॉलिसी बनाएगा, वो इसलिए बनाएगा कि हम उससे पैसे ले रहे हैं।
हमारी जो भी पॉलिसी बनेगी वो IMF वाला आके बनाएगा, हम वो इसलिए नहीं कि हमें कोई शौक है, वो इसलिए कि हम उससे पैसे ले रहे हैं। जो पैसे ले दे रहा होता है वो आपसे पॉलिसी, वो आपको बता भी रहा होता है कि यार क्या आपने इस तरह से चलना है। हमारा सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि हमारी आज तक पॉलिसी हमारी हमने खुद नहीं बनाई है। जो हमने कोई हैंकी बैंकी पॉलिसी बनाई भी है तो वो पॉलिसी फॉर्मेशन इतनी पुअर थी कि जिससे हम काम खराब हुआ है। ठीक है, ये एक बड़ा मसला है, और ये इतना बड़ा मसला है कि जिसने मैं इसको अभी थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैं पहले मेन हेडिंग्स पे चला जाऊं। दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारा ओवरऑल पिछले 25-30 सालों में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो श्रिंक हुआ है। हमने चीजें बनानी बंद कर दी है, लिटरली बनानी बंद कर दी है। इसमें ये रोल नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया तो गवर्नमेंट ने वैसे कर दिया, और बहुत सारे मसाइल ऐसे थे कि जिसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका बेस कम हो गया है। बेस कम होने का मतलब यह है कि पहले अगर हम 10 चीजें पैदा कर पाते थे, हमारी कैपेसिटी 10 चीजें पैदा करने की थी, अब हमारी कैपेसिटी 5 चीजें पैदा करने की है, तो हमारा बेस कम हुआ है। तीसरी बड़ी चीज जो हुई है हमारा वो हुआ है कि हमारा जो रेंट सीकिंग है, मतलब करप्शन जो है वो करप्शन हमारी बड़ी है। करप्शन बढ़ने से नुकसान क्या होता है वो से मैं 2 मिनट में आपसे 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 डिस्कस करता हूँ। बस सिर्फ अभी ये मोटे मोटे हेडिंग्स ले लें। चौथी चीज जो बड़ी हुई है वो ये हुआ है कि ओवरऑल हमारा जो सोशल सेक्टर के इंडिकेटर्स हैं वो हमारा जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो हमारे खराब हुए हैं। मतलब क्या है कि इस बात का कि हमारी अनस्किल्ड लेबर, हमने लेबर पैदा कर दी है लेकिन अनस्किल्ड पैदा की है, हमने स्टूडेंट पढ़ा दी है लेकिन हमने जो स्टूडेंट पढ़ा दी है वो किसी काम के नहीं है, ना हम उन्हें ना हम उनसे हमने इकोनॉमिक्स इसलिए लोगों को पढ़ाई है कि वो फिर से आगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने बैठ जाए, ना कि हमने इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ाई है कि वो आगे से इकोनॉमिक्स करके भी दिखाएं। इकोनॉमिक्स पढ़ाना एक और बात है और इकोनॉमिक्स करके दिखाना एक और बात है। तो हमने हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो खराब हुए हैं। हमारे अंदर जो टॉलरेंस लेवल है, जो हमारे अंदर ट्रस्ट लेवल है, जो हमारे अंदर जो इसे क्या कहना चाहिए कि वायलेंस है वो बढ़ा है, हमारे अंदर टॉलरेंस कम हुई है, ट्रस्ट कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल एक इमेज खराब हुआ है। उस इमेज की वजह से भी हम चीजें हमारी हमारी खराब हुई है। ये एक मोटी मोटी हेडिंग्स थी। अब ये सारी हेडिंग्स कनेक्ट कैसे करती हैं? देखिए, हमने पहली बात ये करी है कि हमारे यहाँ हमारी पॉलिसी ओवरऑल खराब हुई है, पॉलिसी बनी नहीं है, या पॉलिसी जो जो बनी है वो पॉलिसी पुअर पॉलिसी बनी है। मैं उसकी बड़ी सादी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने बड़ी बातें सुनी होंगी कि हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस में हमें समझाया ये जाता है कि हमारा एनर्जी क्राइसिस ठीक हो गया है, और उसकी मिसाल हमें यूं दी जाती है कि देखें जो बिजली है वो बिजली आपको पहले इतनी मिलती थी, अब बिजली आपको इतनी मिलती है। माई पॉइंट इज दैट कि आपने बिजली ठीक की है, आपने एनर्जी ठीक नहीं किया है। बिजली इज अनदर थिंग, एनर्जी इज अनदर थिंग। ठीक है, मतलब आपने पॉलिसी ऐसे बनाई है कि आप बिजली जनरेट कर सकें, आप बिजली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आप बिजली का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे, ये इसकी पॉलिसी आपसे नहीं बनी है। आपने सिर्फ ये किया है कि आपने ठेके दिए हैं लोगों को, उन्होंने आके आपकी बिजली जनरेट की है, क्योंकि ये बड़ा आसान था ना, आपने उठा के लोगों को पकड़ा दिया कॉन्ट्रैक्ट। आप उन्होंने कहा जी कि 5,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट बिजली आपने सिस्टम को देनी है, आपने सिस्टम में लाके डालनी है, तो उन्होंने आपका ये रेट तय हो गया, आपको डॉलरों में पैसे मिलेंगे, इतने डॉलर्स आपको मिलेंगे, ये होगा। उससे आपका जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है, लॉस वो लॉस ये हुआ है कि आपका ओवर द टाइम आपका एक सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, और वो इस वक्त सर्कुलर डेट बहुत सारे ट्रिलियन पैसे देने के बाद भी 4.5 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है। सर्कुलर डेट से हुआ क्या है कि सर्कुलर डेट ने बेसिकली आपका जो हकूमत का कर्जा है, सॉवरेन डेट, पाकिस्तानी रुपए में भी और डॉलरों में भी बढ़ाया है। उससे आपका नुकसान क्या हुआ है कि वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, और आप फॉरनर्स पर डिपेंड करी जा रहे हैं, फॉरनर्स पे आप डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, यानी कि जो माई मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमने एनर्जी का क्राइसिस ठीक करना था तो हमें साइमल्टेनियसली 3-4 चीजों पे काम करना था कि नंबर 1, बिजली पैदा कैसे होगी, नंबर 2, बिजली ट्रांसमिशन कैसे होगा, और बिजली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। देखिए, जो भी दुकानदार होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि उसने एक चीज को पैदा करना होता है, वो बेसिकली ये सोच रहा होता है कि यार ये मैं चीज तो पैदा कर लूंगा, चीज पैदा करनी बड़ी आसान है, दूसरी दूसरी चीज ये है कि यार ये चीज मार्केट में कैसे जाएगी, ये चीज लोगों तक कैसे पहुंचेगी, और तीसरी चीज ये है कि अगर ये लोगों तक पहुंच जाएगी तो उनसे रिकवरी कैसे होगी।
वो जो रिकवरी होगी वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी कर रही होगी, वो उसका प्रॉफिट पूरा कर रहा होगा और वो उसकी बाकी चीजें पूरी कर रही होगी, और वो जो उसकी रिकवरी है वो दोबारा इन्वेंट्री में लग रही होगी। हमने क्या किया, हमने पिछले 15 सालों में 20 सालों में जो आईपीपीस का जो दौर था, बेनजीर का वाला दौर, बेनजीर वाले दौर से हमने क्या किया कि हमने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया कि ओके लेट्स जनरेट द बिजली। हमने बिजली जनरेट करी, उसके लिए हमने पे किया। जो सेकंड और थर्ड चैनल और फोर्थ चैनल था, द ट्रांसमिशन ऑफ द बिजली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और द रिकवरी ऑफ द बिल्स, ये हमने ना डिस्कस किए ना हमने बात करी। उससे ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऊपर एक अच्छा खासा बर्डन खड़ा होता गया और आप एक डेट क्राइसिस में धंसते चले गए, और आपके बजट का एक अच्छा खासा पैसा वहां पे लगने के बावजूद आप उसी क्राइसिस में खड़े हैं। इस वक्त भी हम इस अनसर्टेनिटी में होते हैं। आपके ट्रिलियंस ऑफ रुपए और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज में लग चुके हैं और लग रहे हैं और लगते रहेंगे, और नोबडी इज डिस्कसिंग। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा डेट बढ़ गया है, इमरान खान ने ये कर दिया है। मतलब किसी भी आपने एक सीरियस फोरम के ऊपर, आपने किसी सीरियस बंदे से, आपने किसी सीरियस टीवी चैनल पे, किसी सीरियस एंकर से सर्कुलर डेट के ऊपर बात नहीं सुनी होगी, और आपके इस वक्त जो डेट क्राइसिस का जो बड़ा हिस्सा है वो आपका एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का आपका डेट क्राइसिस है। इसके गैस का डेट क्राइसिस इसके अलग है, इसके अलावा है। पेट्रोलियम का डेट क्राइसिस, सर्कुलर डेट इसके अलावा है। सर्कुलर डेट का मतलब यह है कि अगर आपके किसी एक ट्रांजैक्शन में अगर 5 लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैंने कादर का देना है, कादर ने कफायत का देना है, कफायत ने फरिया का देना है, फरियाद ने मुदस्सर साहब का देना है, तो मुदस्सर साहब अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो वो फरिया को नहीं देंगे, वो कफायत को नहीं देंगे, वो कादर को नहीं देंगे, अल्टीमेटली मुझे नहीं मिलेगा और सारा कलेप्स हो जाएगा। तो ये पूरा एक चेन चल रहा होता है, मतलब इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। एक तो ये बड़ी रीजन हुई है। दूसरी बड़ी जिसके ऊपर हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती, और वो एक मुसलसल मसला है, वो हमारी है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से मुराद ये है कि हमारी कराची स्टील मिल, वापडा और बाकी ये जो इस तरह की जो हमारी 3-4 जो चीजें हैं, NLC और ये वो जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, PIA होगी या राजस्थान स्टील मिल होगी या ये रेलवे होगी या इस तरह की जो हमारी 5-7 चीजें हैं। 95 में जब मैं पढ़ा करता था MA में, तो उस वक्त एक हमारा एक किताब में ऐसे होता था 7 Sick Sisters, 7 बीमार बहनें, और वो हमारी प्लानिंग इकोनॉमिक्स की किताब में। आजकल तो बच्चे हम ना प्लानिंग इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और ना एक मेन कोर्स में लगी होती है, तो हमारी वो जो प्लानिंग इकोनॉमिक्स किताब थी तो उसके अंदर एक एक, एक चैप्टर था, उस चैप्टर का टाइटल होता था 7 Sick Sisters। 95 की बात कर रहा हूं, मतलब इस किस्से को 27 साल हो गए हैं आज। 7 Sick Sisters का मतलब ये था कि हमने जो 7 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस रखी हुई हैं, ये लॉस में चल रही हैं और ये हमें खराब कर रही हैं। उसमें क्या कौन कौन सी थी, उसमें ये PIA था, उसमें ये वापडा थी, उसमें ये रेलवे थी, उसमें ये जो आपकी नेशनल हाईवेज थे, उसमें ये आपके उस वक्त ये PTCL वगैरह होते थे। 25 साल से तो मैं पढ़ रहा हूं कि ये लॉस में है और आज तक हम इनका कोई हल नहीं कर सके कि ये कैसे इस लॉस में से निकलेंगे। हम मुसलसल इनको पैसे दे रहे हैं और इनके लिए हम लॉस खड़ा कर रहे हैं और हर साल खड़ा कर रहे हैं। जब इनको प्राइवेटाइज करने की बात होती है, जब इनके साथ कोई डील करने की बात होती है, तो हम इस तरफ चल पड़ते हैं कि जी ये हमारे कौमी असासे हैं। कौमी असासे हैं, लेकिन कौमी असासे को उठा के तो नहीं लेके जा रहा ना। मतलब अगर आप इसको प्राइवेटाइज करते हैं या कम अज कम कंट्री के ऊपर से अगर आप इसमें से बर्डन उतारते हैं, तो होता क्या है, आपने जो इसको मैनेज नहीं किया है और मैनेज ना करके आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा डेट बर्डन इकट्ठा कर दिया है। और वो जब तक आप इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, जब तक आप इनको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इनको, ये प्राइवेटाइज क्यों नहीं होती हैं, ये प्राइवेटाइज जो हमने पहले प्राइवेटाइजेशन की है 1981 से आनवर्ड या 1987 से आनवर्ड हमने जो प्राइवेटाइजेशन की है, उसका क्या रिजल्ट निकला है या उसकी क्या वैल्यूएशन है, वो हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद हुई थी या फायदेमंद नहीं हुई थी, ये एक अलग बहस है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। इस वक्त जो मोटा सा किस्सा है, वो मोटा सा किस्सा ये है कि हमें अगर पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी चीज ने खराब किया है, तो वो एक हमारा डेट क्राइसिस है बड़ा, और दूसरा हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जिसकी वजह से हमें हर साल अपना जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे होते हैं।
तीसरी बड़ी चीज जो हमने खराब की है और जो इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको किसी सीरियस फोरम पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है, वो हमारा पेंशन फंड है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने लोगों से जो पेंशन के नाम पे जो अपना जो 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 जो, जो पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके बाद उनको जो हर साल पेंशन दी जा रही होती है, वो चाहे आर्मी की है, चाहे सिविलियंस की है, चाहे नेवी वालों की है, चाहे किसी की भी है, वो हमने एक एक बड़े लंबे चौड़े नंबर्स में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये एक बड़ा इशू है कि हमने आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले ये डिस्कस ही नहीं किया, या 20 साल पहले डिस्कस ही नहीं किया, या 10 साल पहले, या आज इवन आज भी डिस्कस नहीं करते हैं कि हमने इस पेंशन को कैसे फंड करना है, या हमने ये जो हमारा 1000 बिलियन का या 1 ट्रिलियन का हर साल में, या 800 मिलियन तो खामखा है ही है, 800 बिलियन तो खामखा है ही है जो पेंशन हम दे रहे हैं, तो ये हम पेंशन कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। इसने बेसिकली क्या किया है कि हमारे लिए एक डेट क्राइसिस खड़ा किया है। वो डेट क्राइसिस सिर्फ ये नहीं होता कि डेट हमने इकट्ठा कर लिया तो डेट हम कहाँ से देंगे, डेट की और बहुत सारी रिपरकशंस हैं जिसकी वजह से डेट वो हो रहा होता है। ये दो बड़े बड़े तीन बड़े बड़ी बातें थी जो कि हमारे पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तीसरी बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात जो मैंने कहा था कि जिसकी वजह से हमने आज देखिए पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे आपके पास जो आएंगे, डेट कब खड़ा होता है, डेट कब उस वक्त खड़ा होता है जिस वक्त आपका रेवेन्यू कम हो जाए और आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, वो जो बीच में डिफरेंस होगा वो डेट से आएगा। ये बड़ी सादी सी इक्वेशन है ना, वो भले आप डोमेस्टिक डेट पे चले जाएं, भले आप इंटरनेशनल डेट पे चले जाएं, तो बड़ी सादी सी बात यह है कि आपने क्या करना है कि जो आपके रेवेन्यूज हैं वो और जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो, उनके दरम्यान जो मिसमैच है, अगर वो अगर आपके रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर्स कम है तो मतलब आपको आप सरप्लस में होंगे, आप लोगों को डेट देने के काबिल होंगे, लेकिन अगर आपके रेवेन्यूज कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो मतलब ये हुआ कि आपने पैसे लेने हैं फिर कहीं से, उस गैप को मैनेज करना है। तो जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि जो मैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की और पेंशन फंड की और सर्कुलर डेट की बात कर रहा हूँ, इसमें आपने रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंशन की एक्सपेंडिचर किया हुआ, एक्सपेंस किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि ये सारा गैप फिल होगा थ्रू डेट, और ये एक ऐसा डेट है ये जो मुसलसल चलता चला जा रहा है और मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, और नोबडी इज डिस्कसिंग। हमें तो सिर्फ आईएमएफ नजर आ रहा है ना कि हमने आईएमएफ के पैसे देने, हमने आईएमएफ के पैसे देने, वो ठीक है, वो तो देने ही देने हैं, वो तो सारी बातें हैं। मैं आपको उस तरफ भी लाना चाह रहा हूं कि उससे हट कि हमने क्या क्या करना है, जिसके बारे में बात कर रहा था ना कि हम लोग आसानी से निकलेंगे नहीं, इसलिए नहीं निकलेंगे कि हम आसानी से आए नहीं है इस चीज में, हमें 30 साल लगे हैं यहां तक आने में, हमें 40 साल लगे हैं यहां तक आने में। मैं अगर मतलब वो एक बड़ा डिमार्केशन वाला लाइन इस्तेमाल करूं तो मुझे लगता है कि हम 1977 1978 से ऑनवर्ड हम इस ट्रैप में फंसना शुरू हो गए थे, हमने अपने आप को डेवलपमेंटल स्टेट से बाहर निकाल लिया था, तो यहां तक हम आए। दूसरी जो बड़ी बात थी जो मैंने कहा था शुरू में कि हमें क्या प्रॉब्लम है हमारे स्ट्रक्चर में, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वो हमारी कम हुई है। इस बात का मतलब क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इकोनॉमी डेवलप तब होगी, या कोई बंदा भी डेवलप तब होगा, या जब वो चीज प्रोड्यूस करेगी, जब वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं करेगी वो डेवलप कैसे होगी। इस बात को समझें कि हमारा 22 करोड़ का मुल्क है, 22 करोड़ बहुत बड़ा मुल्क होता है, ये सिर्फ ट्रेड पे नहीं चल सकता। ट्रेड का मतलब यह है कि हम चाइना से चीज खरीदें और हम अपने लोगों को बेच दें। इफेक्टिवली हमने पिछले 25-30 साल ये किया है, लिटरली हमने ये किया कि हमने चाइना से चीज खरीदी है और हमने अपने लोगों को बेची है। अगर हम सिंगापुर जैसे 30-40 लाख का मुल्क होते, या हम हांगकांग जैसे हम 25-30 लाख का मुल्क होते, तो शायद ये पॉलिसी चल जाती होती है कि चलें सर्विसेज सेक्टर से कमा लेंगे, रेस्टोरेंट्स खोल लेंगे, चार चार स्कूल्स खोल लेंगे, तीन कॉलेजेस खोल लेंगे, दो तीन टूरिज्म की चीजें खोल लेंगे और पलते पुलते रहेंगे, चीजें बाहर से मंगाएंगे, अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, चीजें बाहर से मंगा के इस्तेमाल कर लेंगे, दैट्स फाइन। लेकिन जहां पे आपकी 22 करोड़ की आबादी हो, उस 22 करोड़ की आबादी में ये मॉडल नहीं चलता है कि आप चीज कोई पैदा करें और आप उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, बिकॉज आप सैटेलाइट इकोनॉमी एक लंबे अरसे तक नहीं चला सकते हैं।
हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस दो वजह से गया है। एक तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे कंप्रोमाइज किया। हमने इन्वेस्टमेंट पे कंप्रोमाइज क्यों किया? जानबूझ के नहीं किया, एक पॉलिसी चली थी, उस पॉलिसी के थ्रू किया। पॉलिसी क्या थी कि जब चाइना मार्केट में आया ना 1980s में, 80s में मतलब 78 में उसने बनना शुरू किया, 80s में वो मार्केट में आया। दो काम किए चाइना ने एक तो बल्क में प्रोड्यूस किया, राइट, और सस्ता बेचा, आपके ताल्लुकात अच्छे थे उसके साथ, और उसने आपकी मार्केट को यूज किया। आपको चीजें उसने डंप की। डंप करने का मतलब यह, डंपिंग हम इकोनॉमिक्स वाले जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये सस्ती बेची है उसने चीजें। जब उसने चीजें सस्ती बेची, आपको चीजें सस्ती पड़ी, तो जो चीज आप अपने घर में, अपने कंट्री में 10 रुपए की बना रहे थे, वो चीज आपको उसने 8 रुपए की बेची। तो जो बेचने वाला था, जो बनाने वाला था मुल्क में, उसको लगा कि यार के बजाय इसके कि मैं खुद बनाऊं, मैं क्यों ना चाइना से खरीद के बेच दूं, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी, बिजनेसमैन ऐसे ही करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरवेंशन होती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग टर्म चीज सोच रही होती है कि यार लॉन्ग टर्म में क्या होगा। इसी जगह पे एक साइमल्टेनियसली एक और मूव चली जो कि आज तक चल रही है, जिस हम इश्क में सवार हैं, वो ये है कि हमने किसी तरीके से हमने अपने रुपए को ओवर वैल्यू रखना है। ये बिल्कुल इससे कनेक्टेड बात है। मतलब अगर मैं मतलब अगर किसी के लिए समझने में जरा मुश्किल हो रही है तो मैं इसको मजीद आसान कर दूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन में, लेकिन मतलब मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूँ इसलिए कि हमें थोड़ा सा ना समझने में मौका वो मिलेगा कि पिछले 15-20 सालों में हमारे साथ हुआ क्या है। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस कम हुई है, उस मैन्युफैक्चरिंग बेस कम होने का नुकसान बड़ा क्या हुआ है और क्या होने वाला है, वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। पहले ये समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारी कम कैसे हुई है। पहली बात इसमें ये हुई है कि हमें चाइना ने सस्ता बेचा है। दूसरी बात ये हुई है कि हमने अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू रखा था, ओवर वैल्यू रखा हुआ है। उस वक्त भी ओवर वैल्यू रखा था और आज भी ओवर वैल्यू रखा हुआ। ओवर वैल्यू रखने का मतलब क्या? ओवर वैल्यू रखने का मतलब यह है कि इस वक्त अगर मार्केट में डॉलर 250 रुपए का होना चाहिए था, तो हमने कोशिश करके लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अपनी इकोनॉमी के ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए, मकसद चाहे कोई भी हो, अच्छा मकसद हो, बुरा मकसद हो, कोई मकसद भी हो, ठीक है, अगर मार्केट में डॉलर 250 रुपए का मिलना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के मुताबिक अगर 250 रुपए का डॉलर मिलना चाहिए था, तो हम किसी तरीके से डॉलर को 200 रुपए पे फिक्स करके बैठे हुए। अगर हम ये वाला काम कर रहे हो तो हम इसे कहते हैं कि हमने रुपए को ओवर वैल्यू रखा हुआ है। ओवर वैल्यू रखने का नुकसान ये होता है कि जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो आपको सस्ती पड़ रही होती है, जो चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो खरीदने वाले को महंगी पड़ रही होती है, वो फिर हमसे नहीं खरीदता, वो किसी और से खरीद लेता है, ठीक हो, ठीक है ना। तो हमने जो पिछले 25-30 साल रुपया ओवर वैल्यू रखा है, उससे हमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान हमें ये हुआ कि नंबर 1, पहले तो चाइना ने खुद डंप किया, उसने हमें सस्ता बना के बेचा। वो सस्ता बना सकता है क्योंकि वो बल्क में बनाता है। जो चीज हम 10 यूनिट बनाते हैं वो 10,000 यूनिट बनाता है, वो बल्क में बनाता है चाइना। उसकी 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 स्पेशलिटी है बल्क में बनाना। उसने चीजें सस्ती पैदा करी, सस्ती पैदा करके उसने डंप किया, हमें दिया। एक तो हमें इससे सस्ता पड़ रहा था और दूसरा हमारा जो रुपया ओवर वैल्यू था उससे हमें सस्ता पड़ा, मजीद सस्ता पड़ा। हमने क्या किया कि जो चीज हमें 10 रुपए की लोकल पड़ रही थी, वो चीज हमें 10 रुपए की लोकल नहीं पड़ी, बल्कि अब हमें वो चीज पड़ी 5 रुपए की। तो जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर था वो उससे कम्पीट नहीं कर सका और स्लोली ग्रेजुअली वो मार्केट में से निकलता चला गया। जो जरा से पुराने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको याद होगा एक चंदा बैटरी सेल हुआ करता था, बड़ी प्राइम टाइम पे उसके अंदर वो एड चला करती थी टीवी पे। एक 555 बैटरी सेल हुआ करता था और कुछ हमारी सिरामिक्स हुआ करती थी लोकल, ईगल पेन होता था, डॉलर पेन होता था। वो सारे के सारे वेपोरेट हो गई हैं, वो इंडस्ट्रीज, वो इसलिए वेपोरेट हो गई हैं वो इंडस्ट्रीज, सुपर एशिया का सैनिटरी का ब्रांड हुआ करते थे और इसी तरह के और बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे वो उनकी वो चीजें हमारी लोकल हुआ करती थी, वो सारी की सारी हमारी मार्केट में से उड़ गई हैं। इस वजह से कि हम चाइना को कम्पीट नहीं कर सके हैं,
ओवरऑल हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस क्लोज होना शुरू हुआ। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस खत्म होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही होती है, इंपोर्ट्स ज्यादा हो रही होती है, जो ये डॉलर का एक्स्ट्रा प्रेशर आप पे डेवलप हो रहा होता है। इंपोर्ट्स का मतलब यह है कि यू नीड, आपका डॉलर पहले से ज्यादा मार्केट में जाएगा, और एक्सपोर्ट्स कम होने का मतलब यह है कि आपका मार्केट में से डॉलर कम आएगा, और जो इसमें से गैप है ये गैप आप डेट से फिल करेंगे। वो तो थैंक्स के अल्लाह अलमाइटी के हमें पिछले 15-20 सालों में वो हुंडी चैनल क्रैक होने की वजह से हमें जो वर्कर रेमिटेंसेज हैं वो हमारे बहुत अच्छे बढ़ गए थे, अदरवाइज तो हम कब के कोलैप्स कर चुके होते या इससे ज्यादा बुरे हालात में होते। हमारी इस ओवर वैल्यूएशन की वजह से या हमारी इस मैन्युफैक्चरिंग बेस कम होने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग बेस कम होने की और बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं कि जी बिजली का मसला था जी, वो अल्लाह का भला करे वो क्या हुआ था, टेररिज्म के इश्यूज थे और फलाना था वो फलाना था वो फलाना था। एग्रीड, पार्शली उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन एक्चुअली कंट्रीब्यूट जिस चीज ने किया वो ये किया कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कम्पीट नहीं कर सका चाइना को, वो कम्पीट नहीं कर सका दुनिया को, उसने अपनी चीजें क्लोज करनी शुरू कर दी। उससे आपको बड़ा नुकसान क्या हुआ, एक तो डेट तो बड़ा ही बड़ा ना, बड़ा नुकसान आपको क्या हुआ कि आपकी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू होगी। इस वक्त हमारी पाइट की रिसर्च ये कहती है कि आपका जो 34% आपका यूथ है वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, और वो ये बहुत बड़ा नंबर है। 34% ऑफ द यूथ का मतलब है कि एक जवान बच्चा जो 20-22-25 साल का बच्चा है वो हर दो बच्चों के बाद एक तीसरा बच्चा जो मार्केट में बैठना चाह रहा है, मार्केट में काम करना चाह रहा है, वो बेरोजगार है। अगर वो बेरोज उसको अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वायलेंस की तरफ ही जाएगा ना। तो एक तो दूसरी बड़ी वजह ये हुई, और ये हमारी डेलिब्रेट हमारी पॉलिसी की वजह से हुई। कौन सी पॉलिसी, और हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा और हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्टेगनेंट है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं पिछले 25-30 सालों में, और इस वक्त जितनी सख्त और अशद जरूरत है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, वो मतलब हमारे जो जितने दर्द हैं उन दर्दों का एक ही हल है कि किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़े। लेकिन वो उसके ऊपर भी फिर बात करते हैं बाद में कि वो उसमें 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 क्या मसला हुआ है। ठीक है, तीसरी बड़ी चीज है रेंट सीकिंग, या रेंट सीकिंग इस तरह से लें कि हमने एक और काम किया है। इससे हुआ ये है कि हमने दो काम किए, एक तो हमने करप्शन को बढ़ने दिया, दूसरा हमने जो अपने एसेट्स हैं उनको अंडर वैल्यू किया है। एसेट्स अंडर वैल्यू करने का मतलब, मैं आपको सिंपल पहले एक मिसाल दे दूं, आपको सबको समझ आ जाएगी कि हमने इस वक्त हमारी जो रियल स्टेट है, हमने पिछले 20-30 सालों में उसका मार्केट रेट डिफरेंट है, उसका डीसी रेट डिफरेंट है, उसका मार्केट रेट एक और है और लिखा हुआ रेट एक और है, जो किताबों में लिखा हो ना वो जो 4 साले बनते हैं, जो डीसी रेट निकलता है, और जो कोई और उसकी जो सरकार उसकी जो वैल्यू तय करती है, जिसके ऊपर वो टैक्स ले रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे होते हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जो 1,000 रुपए की, जो 1,00,000 रुपए मरला चीज है वो मार्केट में 1,00,000 रुपए मरला बिक रही होती है, राइट। तो ये डायरेक्टली आपके पॉलिसी से कनेक्टेड, और ये पिछले 1-2 सालों से नहीं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ कम से कम पिछले 35-40 सालों से ये मैं देख रहा हूँ यार, ये ऐसा ही हुआ है, ये ऐसा ही हो रहा है। और अभी अगर ये कभी कुछ 6-8 महीने पहले रिवाइज करने की कोशिश की गई थी तो कहते हैं, कहा गया जी कि वो उसके खिलाफ स्ट्राइक्स भी हुई, बातें भी हुई, उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी का बिजनेस बंद हो जाएगा, जो भी हुआ वो फिर पता नहीं किस चक्कर में फिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपने बहुत सारे एसेट्स अपने अंडर वैल्यू रखे हुए हैं। अगर मतलब जो अंडर वैल्यूएशन का मतलब यह है कि आप उसके ऊपर उस हिसाब से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास जो पैसे हैं, जो लोग पैसे कमा रहे हैं, बिजनेसेस से कमा रहे हैं, बाहर से कमा रहे हैं, तो मतलब आइडिया बेसिकली ये नहीं है कि मतलब कि आप किसी ना किसी तरीके से पकड़ धकड़ के टैक्स पकड़ें। आइडिया बेसिकली ये है कि एक रिलेटिव टर्म में बात की जा रही है कि अगर एक सैलरीड क्लास अगर एक टैक्स दे रही है तो वाई नॉट वो क्लास के जो कि ज्यादा अच्छे पैसे कमा रही है और किसी और तरीके से भी कमा रही है, वो प्रॉपर्टी से अगर ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो उनके एसेट्स ऐसे नजर आते हैं कि वो अंडर वैल्यू हैं, और वहां से वो पैसे दोबारा वापस रेवेन्यू में, रेवेन्यू स्ट्रीम में नहीं आ रहे। वो जो आइडिया है ना बेसिकली हमारा डेट का, डेट क्राइसिस किधर है, डेट क्राइसिस इधर है कि हमारा जो एक्सपेंस है गवर्नमेंट का वो ज्यादा है और वो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो पा रहा। वो जो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो पा रहा वो किस वजह से इकट्ठा नहीं हो पा रहा, कि हमने पिछले 25-30 सालों में अपने एसेट्स को अंडर वैल्यू रखा है। और ये वो बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये आम
ना टीवी टॉक्स में की जाती है, ना एक आम इकोनॉमिस्ट करता है और ना एक आम आदमी सुनना चाह रहा होता है, क्योंकि और असल में आपकी जो जड़ है वो यही है, मसाइल की जड़ तकरीबन तकरीबन यही है। चौथी बड़ी बात यह है इसमें कि हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हैं, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हैं, चाहे वो किसी और तरीके से हैं, वो सारे के सारे पिछले 15-20 सालों में डैमेज हुए हैं, चाहे किसी भी वजह से डैमेज हुए, ठीक है, थ्रू पॉलिसी डैमेज हुए हैं। मतलब हमें हमें गवर्नमेंट ने डेलिब्रेट डैमेज किया है। मैं मिसाल देता हूं इसकी, मतलब वो मेरा अपना चूंकि सेक्टर एजुकेशन क्या है, मैं आपको उसकी एग्जाम्पल देता हूं। मैं कि देखें, हमने पिछले 15 सालों में बहुत सारे PhDs पैदा किए हैं। कफायत साहब, डॉक्टर कफायत, ये आपको मैं सुना रहा हूं। तो अच्छा, हमने देखिए, अब हुआ क्या है, मतलब जो बंदा जो मिसाल के तौर पे, मतलब के मैट्रिक में जो बंदा अच्छा परफॉर्म कर जाता था, चले FSC लगा लें, जो बंदा FSC में अच्छा परफॉर्म कर जाता था, वो तीन उसके पास शोबे होते थे, या वो डॉक्टर बन जाता था, वो जो इंजीनियरिंग में चला जाता था, या वो आर्मी में चला जाता था। जो इन तीन शोबों में नहीं जा सका, वो एक बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, मतलब बड़ी बात से मुराद ये है कि बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, बाय चॉइस बहुत 5-10% ऐसे लोग होंगे जो बाय चॉइस ये तीन शोबे इस्तेमाल अख्तियार नहीं करते, किसी और जगह पे जाते। एक जनरल बिहेवियर यही है कि पिछले 15-20 सालों में, जब से ये HEC बना है, हायर एजुकेशन कमीशन बना है, मतलब हुआ क्या कि जो बंदा ने FSC पास किया, तो वो FSC करने के बाद वो बंदा चला गया, या तो वो डॉक्टर बन गया, या इंजीनियर बन गया, या फिर वो आर्मी में चला गया। जो बच गया वो BA में आ गया, और BA जिसने अच्छा कर लिया उसे कोई ना कोई जॉब मिल गई। जो बच गया वो MA में आ गया, जिसने MA अच्छा कर लिया उसे कोई ना कोई नौकरी मिल गई। जो बच गया वो MPhil में आ गया, और जो MPhil जिसने अच्छा कर लिया उसे कोई जॉब मिल गई, और जो उससे बच गया वो PhD में आ गया, और उसने PhD कर लिया किसी भी सब्जेक्ट में। अब देखें कि जो बच खच के रुला खुला आदमी है वो PhD में आया, उसके बाद उसने HEC ने उसे ये समझाया है कि अच्छा, जब तुम PhD कर लोगे, हम तुम्हें एक IAPFP इंटरिम फैकल्टी प्रोग्राम के थ्रू हम तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी में तैनात करेंगे, और फिर उस यूनिवर्सिटी के ऊपर उसने ये एक लिमिट रखा रखी थी कि विद इन अ ईयर तुमने एक सिलेक्शन बोर्ड करा के इस बंदे को एज अ डॉक्टर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हायर भी करना है, राइट। तो इस पूरी चेन को आप देखें कि हुआ क्या है कि एक वो बंदा कि जिसे ना FA के बाद जॉब मिली, ना BA के बाद जॉब मिली, ना MA के बाद जॉब मिली, ना MPhil के बाद जॉब मिली, आप उसे उठा के PhD करा के आपने उसको यूनिवर्सिटी का टीचर बना दिया है। अब वो प्रोड्यूस क्या करेगा? डेफिनेटली एक ऐसी स्ट्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस करेगा जो किसी काम की नहीं है। मैं खुद ही कामयाब नहीं हूं, मैं कामयाब बच्चा कैसे मार्केट में लेके आऊंगा? मुझे ना बोलना आता है, ना मुझे कपड़े पहनने का ढंग आता है, ना मुझे बात करने आती है, ना मुझे बात समझाने आती है। मुझे मैं ठुकराया हुआ वो दुनिया का इंसान हूं कि मैंने FSC के बाद भी ट्राई की, मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने BA के बाद भी ट्राई की, मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने MA के बाद भी ट्राई की, मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे MPhil के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे PhD के बाद भी जॉब नहीं मिली, तो मैं यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ, तो मैं क्या ये अपनी सारी महरूमियां शो नहीं कराऊंगा किसी जगह पे? बताऊंगा नहीं कि मैं कितना मैं इन वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का शिकार रहूंगा कि मैं जो अब नई लेबर या नया बच्चा प्रोड्यूस करके मार्केट को दे रहा हूं, मैं क्या प्रोड्यूस करके दूंगा? तो पिछले 15 सालों में जो हमने, या 10 सालों में लगा लें रफली, जो हमने मार्केट को लेबर दी है, वो हमने एजुकेटेड तो वो है, डिग्रियां तो उनके पास हैं, लेकिन यकीन जाने मेरा रोज का वास्ता है इनसे, कसम खुदा की तरस आता है अपने पाकिस्तान पे, और कसम खुदा की तरस आता है अपनी नस्ल पे कि यार ये हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ना इनमें स्किल है, इसलिए नहीं कि इसका मसला है, मेरा मसला है, मुझ टीचर का मसला है, मुझ टीचर का मसला इसलिए कि मुझे खुद नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि मुझे सिखाया नहीं है ऊपर से उसने। मेरे पास जो टेक्नोलॉजी इस वक्त आ रही है, मैं उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट के पास जो टेक्नोलॉजी है, पिछले 2 सालों में देखें, हमने आपको मैं एक और मिसाल दूं, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं जूम खरीदने पे। तकरीबन हर इदारे के पास, गवर्नमेंट के हर इदारे के पास, हर
अथॉरिटी के पास और हर मिनिस्ट्री के पास और हर कॉलेज के पास और हर यूनिवर्सिटी के पास एक ऑफिशियल अकाउंट है इसका, जूम का। और ऑफिशियल अकाउंट आपको पता है कि जूम का अकाउंट पैसों का आता है, $400-500 का एक आता है कम अज कम। हम उसको इस तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जिसके लिए वो बना है। ज्यादा से ज्यादा हम एक मीटिंग कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम एक लेक्चर कर लेते हैं उसके ऊपर। जो बाकी चीजें हैं वो हम जो हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे खर्च किए हैं और उस गोरे को दिए हैं उसको हमने, हम उसके लिए उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। हम उसके लिए हम उसे हमने उसके बेनिफिट ही नहीं लिया। हमारे ऊपर ये डबल बर्डन है, इसलिए बर्डन है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने चीजों को करना क्या है। दोबारा वापस आता हूं मैं अपनी यूथ के ऊपर, दोबारा वापस आता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो एक अनस्किल्ड लेबर पैदा कर दी है पिछले 10 सालों में, जिसका अगले 10 सालों में कोई कोई वो नहीं है, मुस्तकबिल भी नहीं है, ये हमें प्रोड्यूस करके कुछ नहीं देगा। जब हमें ये प्रोड्यूस करके नहीं देगा तो ये डेफिनेटली ये बर्डन है। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेस बनाने में, ये हमारे सर्विसेज सेक्टर का बेस बनाने में, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का बेस बनाने में हेल्पफुल ही नहीं है। उससे क्या होगा कि इनका इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। जब ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस नहीं जब होगी, इनको टॉलरेट कर नहीं पा रहे होंगे हम, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि ओवरऑल हमारा एक इमेज बिल्ड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो एक तीसरा फैक्टर बड़ा है FDI वाला, वो हमारे पास जब नहीं आएगा, जब वो नहीं आएगा तो हमें अगेन दोबारा डेट की तरफ जाना पड़ता है। जब हम अगर अगर हमारे पास ये वाला सेक्टर ठीक होता, हमारे लोग स्किल्ड होते, लोगों को पता होता कि यार कि हम इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, चीजें हो जाएंगी, तो उससे उससे हमारा हमें हमें एक एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें वापस आ रही होती, तो हमें शायद हमारा डेट बर्डन हमारा कम होता। तो चार बड़ी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन में चलते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि आप इसको जरा एक बड़े कैनवस में देखें। जो बातें मैंने की हैं कि क्या हम अगले 10 सालों में डेट क्राइसिस ठीक कर सकते हैं, सर्कुलर डेट का क्राइसिस ठीक कर सकते हैं, या अगले 10 सालों में हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइसेस का इश्यूज ठीक कर सकते हैं, क्या हम पेंशन का इश्यूज ठीक कर सकते हैं, या हम अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का को ठीक कर सकते हैं, या हम अपनी करप्शन को या एसेट्स को हम एक 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 ओवर वैल्यू या एक 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 मार्केट के ऊपर वैल्यू में शो करा सकते हैं, या हम अपनी स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर सकते हैं या एक हेल्दी लेबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि शायद हम एक ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे कि जिससे हमारा ये जो इकोनॉमी का जो डेट वाला साइड है ये सेटल होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो ये फिर ऐसा इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। बाकी ये जो किस्से हैं ये वाले शॉर्ट टर्म के किस्से जी के, हमें फलाने से किस्त मिल जाएगी और फलाने से किस्त मिल जाएगी और फलाना हमें पैसे दे देगा और CPAC वाला आ जाएगा और सामा बिन लादन आ जाएगा और फलाना बिन फलाना आ जाएगा और फलाना बिन डिमकाना आ जाएगा, ये सर ये किस्से कौमों के किस्से नहीं है। मतलब ये कौमें ऐसे नहीं बनती हैं। फिर हमारे लिए वही बाकी रह जाता है, कनात बाकी रह जाती है, और हमारे लिए वही बाकी रह जाती है, किस्मत बाकी रह जाती है, और हमें बस ये है जी कि फिर अगले जहान में जब जाएंगे तो अल्लाह वहां पे हूरें देगा, दूध छैद की नहरें देगा, यहाँ पे गुजारा करो। दिस इज फ्रॉम माई साइड जी। अच्छा लगेगा अगर कोई क्वेश्चन करेंगे और वहां से बात मजीद खुलती शुरू हो जाएगी। सर, ओवर टू यू सर। जज़ाकअल्लाह खैर डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ा परेशान करके रख दिया हमें। तो हमारी कौम तो सारी बात है, हमें तो आदत है चल जज्बाती बातों की हैं। आप भी बताते हैं हमें कि कैसे जो है हम एक ही लम्हे में जो है बस दुनिया की बेहतरीन कौम बन जाएंगे। तो बिल्कुल जी, बड़ी अहम बात है, बातें आपने की हैं। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है कि इन सब चीज़ों को हम देखें। सबसे पहले जो आपने बात की कि एक बड़ी आपको एक प्रोफाउंड पॉलिसी चाहिए, एक डिटेल पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो काफ़ी देर तक चले, वो नहीं है हमारे पास। और फिर जो बाकी सारे मामला आपने बताए, मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जो हमारा बाकी, आपने बिल्कुल सही बात की कि इंटरनल डेट के ऊपर तो बात नहीं कर रहा था कि हमारा इंटरनल डेट जो है उससे कहीं ज़्यादा एक्सटर्नल डेट से, लेकिन वो जो मतलब यहाँ पे हमारी उस पर बात नहीं होती। तो खैर ये 6-7 पॉइंट्स जो हैं मैं बस लिस्ट कर देता हूँ डॉक्टर साहब ने बयान किए हैं, ताकि आप सब लोग जब क्वेश्चंस करें तो उनको जहन में रखें। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने वादा किया सर्कुलर डेट के बारे से, एक तो पॉलिसी हमारे पास नहीं है वो बड़ा मसला है नंबर 1। नंबर 2 सर्कुलर डेट, जो कि बहुत बड़ा इशू है, जो इंटरनल डेट है हमारा,
वो तकरीबन जो है मतलब उसकी जो परसेंटेज देखें तो वो उससे कहीं ज्यादा है, यानी 50% से भी ज्यादा। फिर उसके बाद हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मसला, यानी जितनी भी ये जो आपकी मुख्तलिफ हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें हमारी स्टील मिल आ जाती है, पीए आ जाती है, यानी ये जो हमारे जिन्हें एसेट्स हम कहते हैं, यानी जिनके बारे में कहा जाता है कि हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं, कुछ प्राइवेटाइज करने की बात आती है तो फिर एक एतराज उठता है, वो हम मिसमैनेज कर रहे हैं, उस वजह से हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं। फिर पेंशन का मसला है, उसमें अच्छा ऐसा पैसा चाहिए होता है, वो कैसे हम दें। मैनुफैक्चरिंग बेस जो है वो श्रिंक होती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है, इसको कैसे हम कम करें। टैक्सेस अगेन, जब भी बजट की बात आती है, अभी भी आपने देखा होगा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस की बात जब भी कोई करने की बात करता है तो बात इग्नोर कर दी जाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही जो गरीब आवाम है उनके ऊपर मजीद टैक्स लग रहे हैं, जो लोग कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की कोई जरूरत कोई नहीं करता। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी नहीं है और सही तरीके से असेसमेंट भी नहीं हो सकती कि जिनके पास पैसा है वो कितना पैसा है, ताकि उससे उसके मुताबिक टैक्स दिया जा सके। बहुत बड़ा मसला है। स्किल्स, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये 8 बड़े इश्यूज हैं जो मैं आपकी जो स्पीच है डॉक्टर साहब उससे मैंने एड्रेस किए हैं, मोर और लेस जो है कोशिश की है कैसे कैप्चर करें। अब हम क्वेश्चंस जो हैं लेते हैं। हमने कहा था कि रिटर्न क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो उनको हम पहले एड्रेस करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी आपका जो है वो ऑन हो गया है, उस पर भी आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जो लाइव करना चाहते हैं वो भी अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले रिटर्न क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आए तो वो क्या। ये क्वेश्चन जो है नुमान अफजल साहब की तरफ से है, वो ये पूछ रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन इज, वी बोरो लोन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, बट हाउ दिस डॉलर इज कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक करेंसी फॉर बजट पर्पजेस। देखिए, जो डॉलर का लोन है वो डॉलर में ही जाएगा और जो डोमेस्टिक लोन है वो रुपयों में आता है। ये दो अलग अलग लोन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप जो डोमेस्टिक लोन है वो डोमेस्टिक लोन की ज्यादा बात हम इसलिए नहीं करते हैं, वो जिस तरह अभी सर कह रहे थे कि उस पे हम डिफॉल्ट नहीं होते हैं। वो हमारे लिए बर्डन जरूर होता है, वो मतलब गवर्नमेंट के लिए बर्डन जरूर होता है, उसने उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देना होता है, वो सब चीजें करनी होती हैं उसने। लेकिन वो हम उस पर डिफॉल्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें पता होता है कि यार कि वो चूंकि गवर्नमेंट की गारंटी होती है, जब तक स्टेट मौजूद है वो हमने किसी न किसी तरीके से उसको वापस कर ही देंगे। वो कुछ नहीं, वो होता है, वो हम आम किताबों में पढ़ते पढ़ाते रहते हैं कि वो स्टेट बैंक जो है ना वो गवर्नमेंट जिस तरह अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लेती है तो वो गवर्नमेंट जाती है स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक को कहती है कि स्टेट बैंक के पास इसलिए जाती है कि द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक के पास जाती है, स्टेट बैंक को कहती है कि मुझे लोन चाहिए, स्टेट बैंक वो उसको मार्केट से इकट्ठा करके देता है या अपने पास से पैसा प्रिंट करके देता है, तो वो उसको वो गवर्नमेंट को मिल जाता है। अच्छी बात यहां से आपने ये की है कि मैं इसको एक और चीज से कनेक्ट करूं कि पिछले 25-30 सालों में पर्टिकुलरली जो जरदारी का दौर था, जरदारी साहब का जो दौर था, इसमें ये जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का जो स्टेट बैंक से जो लोन लेना शुरू हुआ और लोन से फिर वो कमर्शियल स्टेट बैंक के पास आया, गवर्नमेंट आई स्टेट बैंक के पास, उसे कहा जी मुझे लोन चाहिए। स्टेट बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो नया नोट प्रिंट करेगी या फिर वो कमर्शियल बैंकों के पास जाएगी कि अच्छा जी तुम्हारे पास जो लोन पड़ा हुआ है मुझे दे दें, मैं आपको इस रेट पे आप मुझे लोन देंगे, मैं इस रेट पे आगे से गवर्नमेंट को लोन दूंगी, तो ये आपके पास इतना रेट ऑफ रिटर्न आपके पास आ जाएगा। बैंक इसको इजी समझते हैं स्टेट बैंक को लोन देना, इसलिए कि उसको मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता, जो मॉर्गेज होता है वो उसके ट्रेजरी बिल्स होती है, उस मॉर्गेज को उसको एवेल्युएट नहीं करना पड़ता, डिफॉल्ट का टके का 1% भी चांस नहीं है, खजाने के ऊपर आपको ट्रेजरी बिल्स मिल रहे होते हैं। आप एक आम प्राइवेट सेक्टर को जब लोन दे रहे होते हैं तो उसके ऊपर रिस्क होता है कि ये डिफॉल्ट कर सकता है। तो कमर्शियल बैंकों ने बहुत ज्यादा लोन दिया सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक ने बहुत ज्यादा लोन दिया गवर्नमेंट को। नुकसान ये हुआ इससे कि क्राउडिंग आउट हुई। क्राउडिंग आउट से मुराद ये है कि जो पैसा प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो पैसा चला गया उधर गवर्नमेंट के पास अपना जो मिनिस्ट्रीज चलाने के लिए वो चला गया, तो उससे भी आपकी इकोनॉमी को लॉस हुआ है। तो आपने बात ठीक की थी, मैंने दो बातें आपको समझाने की कोशिश की है। बात आपने ये करी थी ये वाली कि जी जो फॉरेन डेट है वो तो चलो वही है, डोमेस्टिक डेट उसमें कैसे कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट नहीं होगा।
जो टीवी पे बैठ के लोग बातें करते हैं ना कि हमने इतना लोन लिया है और इतना जो डॉलरों में लोन लिया हुआ है वो डॉलरों में वापस करना है, उससे आपकी करेंसी नीचे जाती है ऊपर जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपने 2 बिलियन डॉलर लिए हैं, आपने 2 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। 2 बिलियन डॉलर आप छाप के वापस नहीं कर सकते हैं, 2 बिलियन डॉलर आप बाहर से कमाएंगे तो वो तभी वापस होंगे। पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से डॉलर खरीद नहीं सकता इस पोजीशन में कि वो खरीदेगा तो डॉलर आगे से खरीद के तो फिर वो डॉलर पर वापस कर देगा। जो डोमेस्टिक डेट है वो डॉलरों में नहीं होगा, वो लोकल करेंसी में लिया हुआ टैक्स है, वो लोकल डेट है वो लोकल करेंसी में ही होगा। ये बात आपके सवाल के जवाब की थी। इससे अगली बात जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो डेट बढ़ता है, डोमेस्टिक डेट जो बढ़ा है उसकी वजह से वो क्राउड आउट हुआ है, उसने उसने भी एक बहुत बड़ा हमें डैमेज दिया है, इकोनॉमी को डैमेज किया है। जी सर, प्लीज नेक्स्ट। जज़ाकअल्लाह खैर। दूसरा सवाल जो है ये मौजूद तूर साहब की तरफ से है, राजबन। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज कनेक्टेड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाउ कैन वी फिक्स इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी विदाउट फिक्सिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? देखें, एक तो ये बात ना, ये बड़ी खुल के समझे कि हमें ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसने हमें बहुत शदीद वाला नुकसान पहुंचाया है। आप 50s में चले जाएं, कि हमने कहा जी कि हम ना इकोनॉमी को ना एक एग्रीकल्चर सेक्टर होना चाहिए, एग्रीकल्चर बेसिक इकोनॉमी होनी चाहिए। 1950s की बात कर रहा हूँ, 1950-51-52, उसके जी हमें खाने के लाले पड़े हुए थे। 1947 में हम जो चीजें लुधियाना से लेते, जो मतलब जो 1947 में जो 10 अगस्त को जो लुधियाना से लाहौर आ रही थी वो हम एक ही बिल्कुल सेक्टर था, तो वो अगर वो 15 अगस्त को हम उसके इम्पोर्टर बन गए थे, हम उसके लिए फॉरनर कंट्री हो गए थे। तो हमें 1950 में हमें ख्याल आया कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर होना चाहिए। 1960s में हम इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए। 1970s में हम जो है ना वो नेशनलिज्म की वो चले चल नेशनलाइज करने चल पड़े। 80s में हमें ख्याल आया जी कि हम प्राइवेटाइज कर दें। 90s में हमें ख्याल आ गया जी कि हमने सड़कें बना देनी है। 2000 में हमें ख्याल आ गया जी हमारे पास तो हाउसिंग सोसाइटीज होनी चाहिए। 2001 में हमें ख्याल आ गया जी कि नहीं, हमारे पास तो मेट्रो शेट्रो होनी चाहिए। तो मतलब विद द चेंज इन द रिजीम इन द पॉलिटिक्स हमने अपनी इकोनॉमिक्स पॉलिसी को चेंज किया है, उसकी वजह से आज तक हम इस अनसर्टेनिटी में है कि हमारा मॉडल है क्या, हम क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका कि ये कैसे पॉसिबल होगा। मेरे पास जो इसका सलूशन है वो ये है कि हमारे पास एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, उसके ऊपर ये सारे साइन करें बड़े इदारे कि यार ये चंद इकोनॉमिक्स की चीजें ऐसी हैं कि इसके ऊपर ये चेंज नहीं होगा, ये 10 12 15 चीजें चेंज नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे आप कोरिया चले जाएं, कोरिया में भी बहुत लंबा अरसा रही है ना ये वाली क्या कहते हैं ऑटोक्रेसी, जनरल पार्क और जनरल पार्क के लोग बड़े लंबे अरसे रहे हैं। उन्होंने मतलब वो लोग बात ही नहीं करते हैं इस बात के ऊपर कि जी कि जो इकोनॉमी की किसी चीज को छेड़ने के लिए, मतलब 14 वजारतें थी, 14 मिनिस्ट्रीज थी, वो एक बंदे के नीचे थी। वो जो इंटरकनेक्टेड मिनिस्ट्रीज होती है ना, कॉमर्स और एग्रीकल्चर और ट्रेड और ये वाली दूसरी ये जो पेट्रोलियम की और इस तरह की, ये जो इकोनॉमिक्स, और उन्होंने दो हिस्से किए, ये इकोनॉमिक्स की मिनिस्ट्रीज है और ये नॉन इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्रीज है। हमारा तो मसला ये होता है ना कि कॉमर्स का काम है, कॉमर्स से अप्रूव होके जाता है तो वो ट्रेड में जाके फंस जाता है, ट्रेड से अप्रूव होके जाता है तो FBR में जाके फंस जाता है, FBR से अप्रूव होता है तो कस्टम्स में फंस जाता है, कस्टम्स में अप्रूव होता है तो नीचे आके प्लानिंग में फंस जाता है, प्लानिंग से निकलेगा तो फाइनेंस में फंस जाएगा, तो वो होते होते बजट का पूरा साइकिल खत्म हो जाता है, तो वो मिनिस्ट्री का वो काम वहीं पे रुक जाता है और अगला 30 जून आ जाता है, वो फंड आपके लैप्स हो जाते हैं, काम ही नहीं होता। कोरिया ने क्या किया था कि 14 मिनिस्ट्रीज थी, वो एक ही बंदे की थी, उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उसको वो मिला हुआ था ओहदा, तो वो एक दिन में आज जो चीज इनिशिएट होगी वो आज ही अप्रूव होगी। आप इस तरह का हम कोई बनाए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आपने कभी सुना जो बाइडन को, या आपने कभी सुना बुश को, या उसको ट्रंप को, या ओबामा को, कि वो इकोनॉमी के नंबर्स के ऊपर, ये इकोनॉमीज की पॉलिसी के ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हो? वो सिर्फ इस वो उनके इदारे चला रहे होते हैं और वो चीजें चेंज नहीं होने देते। उन्होंने सिर्फ ये जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट या मिनिस्टर्स होते हैं वो इसलिए रखे होते हैं कि वो हम जैसों के लिए, कि जो तुम्हारे साथ डिस्कशन कैसे होगी नॉन इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर डिस्कस करने के लिए। इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो उनका एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के तहत चल रहे होते हैं, वहां पे फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। 10 12 पॉलिसीज आप अपनी सेटल कर लें कि यार ये 10 12 15 पॉलिसीज ऐसी इकोनॉमिक्स की, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, ये इदारे चलाएंगे, ये प्लानिंग चलाएगी, ये फाइनेंस चलाएगी, ये कॉमर्स चलाएगी, ये ट्रेड चलाएगी, चाहे गवर्नमेंट नवाज शरीफ की है, चाहे इमरान खान की है, चाहे जरदारी की है, चाहे किसी अरे गैरे की है, चाहे कोई भी आ जाता है यहाँ पे,
राइट right? तो ये चंद चीजें चेंज नहीं होंगी, इसके बगैर सर ये मॉडल सेट होने वाला नहीं है। आपने हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, इस्लामाबाद वालों ने देखा है कि 2018 में मेट्रो बनी हुई थी और वो एक वो चाहे वो उससे उससे हटके कि वो ठीक बनी गलत बनी चाहे जो भी हुआ, जो काम 2018 में खाकान अब्बासी सब छोड़ के गए थे वो काम पूरा 4 साल बंद इसलिए पड़ा रहा कि जी मैं तो मेट्रो ओन ही नहीं करता, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। मेरा इस पे का दर्द यह है कि वो एक बहुत बड़ा एसेट आपने पैसे लगा के जाया कर दिया ना। चले वो चाहे आपसे गलत डिसीजन हो गया, मान लें कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट से गलत डिसीजन हो गया कि मेट्रो बनानी है, लेकिन अब वो बन गया ना, उसे कुछ तो चलाए ना, कुछ तो करें, उससे कुछ तो होगा ना, लेकिन वो बन पड़ा रहा, उसके ऊपर आपने चौकीदार बिठा के रखे रखे। कहने का मतलब ये है कि आपकी इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी जो ठीक होगी वो तो सो होगी, वो तो आप एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, सारे बैठ जाए बड़े बड़े इदारे, उसमें आर्मी भी शामिल हो, उसमें पॉलिटिकल लीडर भी शामिल हो, उसमें मिनिस्ट्री भी शामिल हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो, वो जो 10-12-15 पॉलिसी आप डिजाइन करेंगे, वो चाहे एक्सचेंज रेट किया है, चाहे इन्फ्लेशन किया, चाहे ग्रोथ किया, चाहे आपकी ट्रेड किया, चाहे आपकी एफबीआर किया टैक्स, उसको चेंज ना होने के पास उसे कहें जी यार ये चेंज नहीं होगी, आप ये जो 15-20 आपकी पॉलिसी है आप इसमें प्ले करें। तो मुझे लगता है कि इसका इसके अलावा कोई बड़ा हल है नहीं, अदरवाइज इसी में हम फंसे रहेंगे जो फंसे हुए हैं, फिर ये चलता रहेगा इसी तरह, बाकी इसका कोई सादा हल है नहीं इसका। सर प्लीज जज़ाकअल्लाह खैर, बड़ा अच्छा आपने बात की, बल्कि हम जो बात कर भी रहे थे कि हम भी चाहेंगे डॉक्टर साहब के आप बताएं कि एक बतौर इंडिविजुअल के बतौर एक कौम के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मेरे ख्याल में ये एक आपने हिंट दे दिया है कि हमें एक ऐसी यानी चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, और इसके लिए हुक्मरानों ने तो शायद कुछ नहीं करना, तो कम से कम आवाम के अंदर ये शोर बेदार हो गया और वो कम से कम प्रेशर डालें कि ये एक सस्टेनेबल हमारी एक पॉलिसी हो, जिसको जैसे आपने बताया सारे इदारे बैठे, टॉप जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं वो भी बैठे हैं, और बाहर के जो हम अगर कंसल्टेंसी करना चाहते हैं उनको भी बुला लें, और फिर इसके पीछे मतलब हम रैली करें तो शायद कोई हमारी जो है ना वो निजात हो जाए इससे। तो इस पर मैं चाहूँगा ज़रूर आप कुछ एक दो पॉइंट्स ज़रूर दें, अभी अभी देना चाहते हैं, बाद में देना चाहते हैं, बाद में देते हैं, अभी क्वेश्चन में काफ़ी आ रहे हैं। हमारी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, मैं जहाँ तक मेरा असर है, जहां तक मेरा असर है, मतलब मेरा असर है मेरे बच्चों तक, मेरा असर है मेरे स्टूडेंट्स तक, मैं उन तक एक अपनी ठीक बात पहुंचाऊं, और देखिए बाकी तो जो चल रहा है सो चल रहा है। मैं अपने बच्चों को मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़े मजे की बात बताता हूँ, मतलब वो शायद पता नहीं यहाँ पे शेयर होने वाली है कि नहीं शेयर होने वाली, मुझे नहीं पता है, मतलब कि मैं गलत जा रहा हूँ कि ठीक जा रहा हूँ। मेरा एक रूममेट होता था बांग्लादेशी, काफी अरसा पहले की बात है, 2005-06 की बात कर रहा हूँ, तो वो ना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बना। तो कुछ दिनों के बाद जब हम अच्छे दोस्त बने तो मैंने उसे यूं ही कहा, मैंने कहा यार के ना क्या वजह है कि तुम लोग हमें अच्छा नहीं समझते हो। तो उसने कहा कि भाई बात ऐसे है कि हमारा जो प्राइमरी टीचर था ना, प्राइमरी जमात का टीचर जो पहली दूसरी तीसरी चौथी को पढ़ाता, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसको ये समझाया गया था 1950s में कि आपने इस क्लास की प्राइमरी जमात के बच्चे को ये समझाना है कि हम दो डिफरेंट लोग हैं, मशरकी पाकिस्तान वाले और मगरबी पाकिस्तान वाले। कहता है मेरा बाप मेरा दादा, जैसे कहते हम छठी जमात में पहुंचे थे, हमें सब पता होता था कि क्या होना क्या नहीं होने वाला। तो मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बात को ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम उस छोटे बच्चे को नहीं समझाएंगे, आप मुझे नहीं समझा सकते हैं। मैं निकल आया हूँ उस समझने समझाने वाले किस्से से, अब आप एक 25-30 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हैं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारी बिल्कुल जो अभी नई नस्ल तैयार हो रही है, उसे समझाना है कि भाईजान बात ऐसे है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें आप, आपको आपका जो आने वाला वक्त है वो बड़ा टफ लाइफ है। मतलब आप देखिए, जो हम पाकिस्तान में बैठे हुए, जो लोग पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए उन्हें अंदाजा ही नहीं है हम लोग कितने कर्ब से गुजरने वाले हैं, और मतलब ये हम कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, मतलब लिटरली लोगों के पास इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं रोडों पे। इस वक्त सर लिटरली ट्रैफिक कम हुई है 25-30% पिछले 2 महीनों में, अस्पतालों में मरीजों के विजिट्स कम हुए हैं। ये कल बड़े अच्छे एक डॉक्टरों के साथ बैठ के डिस्कस हो रही थी, सरकारी अस्पताल के ओपीडी पे, सरकारी अस्पताल की आउट पेशेंट डोर जो आउटडोर पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जो 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 अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट्स है वो कम हुए हैं, कि लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो कम्यूट कर सके वहां तक आने के लिए। तो
इसका मतलब यह है कि आपकी जो हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम लोग बड़ा सीवियर क्राइसिस देखने को जा रहे हैं, और ये हमें एक शऊर बनाना है अभी से बच्चे को कि यार अगले 5 से 10 साल आपकी मुश्किल में आने वाले हैं, तो इसलिए अभी से ये ठीक हो जाए। ये मेरी एक इंडिविजुअल मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर एक बड़े मजे का सवाल आ रहा है, मैंने यहाँ पे अभी अभी देखा है, वो मैं इसको जरूर एड्रेस करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा ना बड़ा मजे का वो मेरा अपना टॉपिक है। ये नुमान अफजल साहब ने दोबारा सवाल किया है कि जो ये सवाल उनका ये है कि जी हम तो IMF से लोन लेते हैं डॉलरों में, लेकिन वो ये क्यों हमारे ऊपर ये इस बात पे ना ये क्यों प्रेशराइज करता है कि जी हम ना रुपए को डेप्रिशिएट करें और हम टैक्स ज्यादा कलेक्ट करें। ये उनका सवाल है, ये बड़े मजे का सवाल है। देखिए वो जो उन्होंने पहला सवाल किया था, अब वो ज्यादा क्लियर हुआ है मुझे कि वो क्या पूछना चाह रहे थे। देखिए आप जब IMF का सर कोई कसूर नहीं है, अल्लाह खुदा की कसम कसम खा रहा हूँ, IMF का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारा अपना जाती है। देखिए आप IMF के पास जाते हैं ना, आप उसे कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए, वो आपको लोन दे देता है, ठीक है। IMF हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई कंट्री हमारा दुश्मन नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ जो मुतालबा है ना वो ये है कि उसे उसका लोन वापस चाहिए, उसका कोई मुतालबा नहीं है। दोबारा बात कर रहा हूं और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि स्टेट बैंक के साथ काम किया है और IMF की उन मीटिंग्स में बैठा हूं जिन मीटिंग्स में IMF का लोन और IMF की ये टॉक्स डिस्कस होती हैं, और उन लोगों के साथ रहा है आज भी कि जिस वक्त ये टॉक्स हो रही होती हैं तो मुझे उसी वक्त 2 घंटे बाद या आधे घंटे के बाद उनसे फोन करके पता होता है कि यार आज क्या बात हुई है। डायरेक्ट वो दोस्त हैं जो उस टॉक्स में इस दफा भी बैठे हैं, जो आजकल भी बैठे हैं। कभी भी IMF का ये नहीं रहा है कि जी आप ये चीजें बदल दें, और ये चीज IMF का सिर्फ एक मुतालबा है, जो मुझसे आपने पैसे लिए वो पैसे आप मुझे वापस करें। जब वो आपसे पैसे वापस लेने के लिए आता है, आप उसे समझाते हैं, देखें आप उसके पास IMF के पास जाते कब है, जब आपके पास दो दो बड़े मसले होते हैं, एक आपका बजट डेफिसिट खसारे में होता है, आपका जब बजट होता है वो खसारे में होता है, बजट डेफिसिट में होते हैं, दूसरा आप करंट अकाउंट डेफिसिट में होते हैं। अगर ये दो डेफिसिट नहीं है तो आप लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे, अगर आप सरप्लस में हैं तो आप सरप्लस में बैठे हैं ना, आप तो लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे। जब आप डेफिसिट में हैं तो आप उसी वक्त लोन लेने के लिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो पहला जो मुतालबा रखेगा आपके सामने IMF को कहेगा जी आप अपना बजट डेफिसिट सरप्लस में लेके आएंगे, आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में लेके आएंगे, या कम अज कम आप इसको सरप्लस डेफिसिट में नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो आप ये करेंगे, वो आप जिस वक्त वो आपसे लोन का मुतालबा करता है तो आप उसे कहते हैं देखिए जी हमारा तो बजट डेफिसिट भी ठीक नहीं हुआ और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक नहीं हुआ, हम आपको लोन वापस नहीं कर सकते। अब करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने के पास के लिए उसके पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो ये कहता है कि अपना लोकल करेंसी को डेप्रिशिएट करें, और बजट डेफिसिट को ठीक करने के लिए उसके पास एक ही टूल है कि वो आपको कहेगा रेवेन्यूज बढ़ा दो, टैक्सेस से बढ़ा दो, या तो कमा रेवेन्यूज बढ़ा दो। रेवेन्यूज बढ़ा का मतलब है कि कमाओ। अब कमाने के लिए तरीकाकार क्या है कि जो आपकी अपनी एंटरप्राइजेस हैं, जो आपकी रेलवे है, जो आपकी वापडा है, जो आपकी स्टील मिल है, वहां से आप पैसे कमाएं। अगर आप वहां से नहीं पैसे कमा रहे तो आप फिर टैक्स बढ़ाएं, रेवेन्यूज तो वहीं से इकट्ठी होगी ना। तो फिर वो आपको ये दो काम करने पड़ते हैं। वो आपको समझाता है कि देखें, आप उसे समझाते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, वो आपको कहेंगे अच्छा ऐसे करें ना, आप इतना परसेंट डेप्रिशिएट कर दें, जब इतना पैसे परसेंट आप डेप्रिशिएट कर देंगे तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना कम हो जाएगा, मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, या आप इतना करंट अकाउंट डेफिसिट वो कर देंगे तो आप इतना लॉस में से निकल आएंगे, मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो बेसिकली वो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट अपना वो ठीक करना चाह रहा होता है, वो अपना बजट डेफिसिट ठीक करना चाह रहा होता है आपका, इसलिए उसकी ये दो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज आती हैं। वो हमने एक उसको पोर्ट्रे गलत करते हैं उसको, हम के जी हमें IMF कहता है, हमें IMF कुछ नहीं कहता, आप उसे पैसे कहीं से इकट्ठे करके दे दें वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। मतलब मिसाल मैं इसकी यूं दिया करता हूँ कि मुझे इस वक्त अगर आप वजन कम करना है अपना, तो मुझे डॉक्टर दो बातें कहेगा ना, वो कहेगा या वॉक किया कर या फिर अपना खाना कम किया कर। तो मैं उसे कहूँ जी कि वॉक तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर दुखते हैं, तो मुझे आप कहते हैं तो मैं अपना खाना कम कर लेता हूँ। तो मैं उसे जाके समझाता हूँ कि देखो जी मैं पहले 2 रोटियां खाता था, अब मैं 1 रोटी खाता हूँ, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा। वो मेरे घर में आएगा, वो आके मेरी हांडी का ढक्कन उठा के देखेगा, वो आके देखेगा अच्छा वो यार तुम तो पहले घी नहीं डालते थे, अपने तुमने 3 चम्मच देसी घी के डाले, वजन कहाँ से कम होगा, तो तुम ये अपना देसी घी निकाल लो। तो मैं क्या मल्ले में शोर डालूं जी, मुझे डॉक्टर साहब देसी घी नहीं खाने देते, मेरे ऊपर जुल्म कर रही है। सर प्रॉब्लम मेरा अपना है, मेरा जाती प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMF के
पास और बड़े दर्द हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। सर सर। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शिराज साहब की तरफ से है कि सर हाउ कैन वी सॉल्व द पेंशन इश्यू, इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव, मेजर चंक ऑफ आवर बजट इज गोइंग टू द रिटायर्ड मिलिट्री पर्संस एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर्स हैं, मोर ओवर कैन बी से डाइवोर्स टू डॉलर। शिराज साहब जो है तो देखें जो पेंशन का इशू है ना, पेंशन का इशू इन्हें अब रियलाइज हुआ है पिछले कुछ 2-3 सालों में। सीधी सीधी बात है, पिछले 2-3 सालों में, तो 5-7 सालों में इन्हें ख्याल आया कि यार कि इन्होंने पेंशन फंड के साथ किया क्या। इन्होंने पेंशन फंड के साथ किया इसलिए कि हर साल इनको पेंशन फंड मिला करता था और उसको ये आम अपनी आम रोजमर्रा की उसके लिए इस्तेमाल कर लेते थे। बाकी जितने भी जिस तरह ये बाकी बाकी हरकतें करते हैं ना गवर्नमेंट, तो चूंकि वो कहीं ना कहीं से वो समझते थे कि ये बुकिश वो ही है, लेकिन अब इतना ये बड़ा बन गया, ये बर्डन ये इतना ज्यादा हो गया कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि इसको ये सेटल कैसे करें। डिफरेंट मॉडल्स इनके सामने आ रहे हैं, डिफरेंट मॉडल ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी हम किसी न किसी तरीके से वो करें, पेंशन को हम इसके लिए इन्वेस्टमेंट करें। और टीटीएस वालों का जब ये शुरू किया था उन्होंने, या डिफरेंट जो भी जो और लोगों को उन्होंने कहा था कि जी इनके पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, वहां से ये रिकवर होगा। इनके पास इस वक्त तक कोई सॉलिड मॉडल है नहीं। हम भी बहुत सारी बातें करते हैं और हम भी बहुत सारी बातें करते रहेंगे, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड प्रोग्राम है नहीं। उसकी वजह यह है, पहली बात कि हमारे पास इतना इस वक्त जितना हम इनके पैसे खर्च कर चुके हैं पेंशन फंड्स के, हमारे पास उतना चंक है नहीं कि हम किसी तरफ इन्वेस्टमेंट करके, और या हमारा इस वक्त इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि हमारी को इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रेट ऑफ रिटर्न आए। तो इसलिए अभी तक ये फौरी तौर पे तो उसका कोई हल है नहीं अभी तक। इसीलिए मतलब तो जो जो नई जॉब्स हो रही हैं वो विदाउट पेंशन हो रही हैं, या मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल हो रही हैं, जो भी हो रहा है। तो बाकी ये तो किसे हैं सर जी, ये तो मतलब हम जिस मुल्क में रहते हैं, मतलब वो हम ये इसमें तो डिमार्केशन कर ही नहीं सकते कि मिलिट्री का है कि सिविलियन है, या मिलिट्री को जाना चाहिए या मिलिट्री को नहीं जाना चाहिए। ये मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, वो हम करेंगे या नहीं करेंगे वो खुद ही कर लेंगे। तो इसलिए वो वाला इशू मतलब वो तो नहीं सेटल हो सकता इनसे। तो इसलिए पेंशन में इशू है, इशू ओवरऑल भी है, लेकिन पेंशन में तो खैर बहुत इशू है इस पर। डॉक्टर साहब, बस हमारे पास टाइम 15 मिनट्स हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हैं, चलें कोशिश करते हैं शॉर्ट करें कि अगर आप आंसर्स कर सकते हैं। तो डॉक्टर फैजुल्ला साहब की तरफ से सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह आपने पहले की तरह मिसाली तरीके से सब समझाया। मेरा सवाल पॉलिटिकल इकॉनमी से मुतल्लिक है, थ्योरी और कामयाब मुल्कों की मिसालें तो बहुत, लेकिन हमारे मुल्क का मसला पॉलिटिकल इकॉनमी है, चाहे IPPs का मसला हो या मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की सब्सिडी हो या फिर पढ़ा लिखा जो है ना इन, अच्छा अनस्किल्ड मजदूर। कफायत अनस्किल जो है मजदूर, तो ये यार ठीक कहते हो, बिल्कुल पॉलिटिकल इकोनॉमी है हमारा मसला। मतलब पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक ना, मतलब ये पाकिस्तान को बनाया ही शायद इसीलिए गया था कि मतलब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अपना प्ले कर सकें। मतलब हम ना अभी तक जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है वो हमें ओन ही नहीं कर पाया। मतलब उसे उसके उसके दिल में ही नहीं आता है। मतलब मैं उस दिन भी एक क्लास में बात कर रहा था कि यार कि मुझे खुदा की कसम नहीं डर लगता है इन्फ्लेशन से, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है डॉलर के डेप्रिशिएट होने पे, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये दुनिया के साथ, कौमों के साथ, मईशतों के साथ ये चीजें चलती रहती हैं। इन्फ्लेशन कम होता बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, डॉलर ऊपर जाता रहता है, नीचे आता रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है होती है नहीं होती रहती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये सब होता रहता है। मुझे जिस बात पे गुस्सा आता है, ये जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जितने हमारी जो एग्जेक्टिव क्लास है, इसके मुतमईन होने पे आता है कि इस सारे क्राइसिस के बाद भी ना ये बड़े सुकून से बैठे हुए हैं सारे, और बड़े ना मतलब ये रिलैक्स हैं। तो बेसिकली मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि हमें कभी भी हमारा पॉलिटिकल कैपिटल हमारा है ही नहीं, हमारा पॉलिटिकल बेस ही नहीं है बेसिकली। मतलब ये कुछ चंद बिजनेसमैन लोग हैं, चंद जागीरदार लोग हैं जो अपने आप को पॉलिटिशियंस कहते हैं, लेकिन मतलब पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स का मतलब, पॉलिटिक्स का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ हुक्मरान होंगे। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि बात आप जो काम आप बिजनेस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, जो काम आप जंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं, जो काम आप पढ़ा लिखा के नहीं कर सकते हैं, वो आप टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करके कर लेंगे। तो बाकी जितने जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, मैं और तुम दोनों बेहतर, मेरा तेरा 10 साल से वास्ता है, मैं और तुम दोनों बहुत बेहतर जानते हैं कि वो कितनी किन स्किल्स में महारत रखते हैं। तो है 100% श्योर। मैंने इसीलिए कहा था कि पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिक्स के कुछ
डिसीजंस अलग कर लें इकोनॉमिक्स के पॉलिटिक्स से, तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है। कि मतलब हम कम से कम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें कि यार ये 10-12-15 चीजें हैं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं आएगी, तो बाकी में आप करते हैं कुछ कर सकते हैं, तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज ये चलता रहेगा, ये चलता रहा है, चलता रहेगा। वो डॉक्टर इतजाज कहते होते हैं ना, खरबूजे पहले भी खा रहे थे और खरबूजे फिर भी खाते रहेंगे। असल बात यह है कि खरबूजा मीठा निकलता है या फीका निकलता है, अब ये हमारी किस्मत है। तो वो उस्ताद की बात जो सुना दी है, वो डॉक्टर इतजाज मेरे और कफायत के जी हमारे कॉमन उस्ताद है, इसलिए जो है ना उनको बात की है। ठीक है जी, जजाकल्ला। अब डॉक्टर सनाउल्लाह अंसारी साहब को तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली आप क्वेश्चन अपना कर सकते हैं लाइव। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आवाज आ रही मेरी? जी, अच्छा जी, बहुत माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर डॉक्टर साहब का। मेरे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। सवाल तो कोई इतना खास नहीं, तो छोटे छोटे दो तीन कमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की है मुख्तलिफ हवालों से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से, बिल्कुल राइटली इन्होंने फरमाया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से तो हम बिल्कुल कोलैप्स ही कर चुके हुए हैं। उसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह सवाल की सूरत बन जाएगी इसकी, कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब सजेशन एक दे रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, मिसा के मीशत जिसे गवर्नमेंट भी कह रही है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, ये तो अगेन एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। इसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है जी कि सियासी जमातें इसके ऊपर आए और बात करें। भाई सियासी जमातों को तो इकोनॉमी का पता ही नहीं है, और ना उनको, और उन्हीं का तो ये सारा जो है ना किया धरा है। जो मुल्क जो है वो ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे चल रहा हो, ना एग्रीकल्चर पे चल रहा हो, जो सैलरीड लोगों की तनख्वाह उस पे तनख्वाहों के ऊपर इनकम टैक्स से चल रहा हो, तो वहां पे ये लोग किस तरह का वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसको साइन कर सकते हैं इसी मुल्क के अंदर। अब आप देखिए कि पिछले साल जो FBR का डेटा है, 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 24 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, यानी 1% के करीब लोगों ने। आज आपके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की स्टेटमेंट आ रही है जी के इसी मुल्क में 30,000 ज्वेलर्स की दुकानें हैं, और 30,000 ज्वेलर्स की दुकानों में सिर्फ 20 लोग FBR में रजिस्टर्ड। ये तो एक इंडस्ट्री की, सिर्फ एक सेक्टर की सिर्फ बात हो रही है। अगर हम सेक्टोरल की बात करना शुरू करें तो इस मुल्क में मकसद इतना ज्यादा, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल, बुरा हाल है कि गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता कि उसने करना क्या है और किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करके इस हुकूमत को, इस मुल्क को चलाना है। तो यहाँ पे अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उस पे पाइड की तरफ से मैं ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि क्या इस पे कोई एफर्ट हो सकती है कि गवर्नमेंट को कोई इस तरह का चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना के दिया जाए। आपके जो हेड है माशाल्लाह डॉक्टर असद जमान साहब, वो एक बहुत ही माशाल्लाह के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, गवर्नमेंट के साथ रहे भी हैं, तो क्या वो इस किस्म का कोई प्लान गवर्नमेंट को बना के दे सकते हैं कि जिसकी वजह से हम इस जो इतना बड़ा क्राइसिस है हमारे ऊपर, उससे हम किसी हद तक अपने आप को जो है वो निकाल सके। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम आजकल काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जेहन में भी ये बात थी, मेरे जेहन में भी ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, कि हम इस पे आजकल काम कर रहे हैं। हम कुछ ना चीज़ें डिवाइस कर रहे हैं कि यार ये 10-12-15 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है ना आप डिस्कस नहीं करेंगे। देखें, मेरा अगेन पॉलिटिशियंस को इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इदारों की। इदारों से मुराद ये है कि मतलब उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग, ये लोग भी ओन करें। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक फाइल एक इदारे में फंस जाए और फिर फंस जाए। अगर जब तक ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि मतलब कुछ 10-12 चीजें सेक्टर ऐसे सेटल कर लिया जाए जिसमें ना शहबाज शरीफ की अप्रोच हो, ना नवाज शरीफ की अप्रोच हो, ना इमरान खान की, ना जरदारी की, ना कोई इदारा उसको चेंज ना कर सके। वो चीज एक चल चल रही है, वो चलती रहे। देखिए, एक इदारा, मैं उस दिन एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि एक साल में हम 5 मरले का मकान नहीं बना सकते। तो एक साल में या 2 साल में या 5 साल में इकोनॉमी का किसी किसी इकोनॉमी के इंडिकेटर कैसे सेट होंगे? तो इसलिए ये तो बिल्कुल तय बात है कि जब तक हम बार बार पॉलिसीज को स्विच करेंगे, बार बार हम इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स को स्विच करेंगे, पॉलिसीज को स्विच करेंगे, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, उसे कोई नहीं ओन करेगा। देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि इमरान खान ने शुरू किया कामयाब नौजवान प्रोग्राम। उसने कहा जी कि देखें, आप हमसे लोन लेंगे और लोन लेने के बाद जो है ना हम आपको लोन दे देंगे, और लोन देने के बाद जो है ना आप अपना बिजनेस खोल लेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़ा कितना मजे का था ना।
अब जिस बंदे ने आज से साल पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई थी, क्या उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उस फिजिबिलिटी के ऊपर आज वो बिजनेस कर सकता है? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब आप एक्सचेंज रेट देखें कहाँ पहुंच गया, आप इन्फ्लेशन रेट देखें कहाँ पहुंच गया, रॉ मटेरियल की कहाँ पे पहुंच गया, मजदूर की मजदूरी कहाँ पे पहुंच गया, रोटी आटा चीनी प्राइसेस कहाँ पे पहुंच गया, वो बिजनेस फिजिबल ही नहीं रहा है। वो आज लोन ले लेता है, वो उससे बिजनेस खोल लेता है, बिजनेस खोलने के बाद उसका वो करेगा क्या? उसकी तो वो फिजिबिलिटी में आ ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इन सब चीजों को इतनी जल्दी जल्दी से चेंज हो गई है सब चीजें, तो आपकी इकोनॉमी मूव करने वाली नहीं है, ये एक बात है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना कि इनको पता नहीं है, इनको सर सब पता है, ये डेलिब्रेट नहीं करते हैं। देखें ये ऐसा नहीं है, मैं खुद वो जो ज्वेलर्स की आप बात करें ना, मैं खुद गोल्ड स्मिथ हूँ, मेरा नस्लों का काम है ये। हमारे पास ये FBR के लोग आते हैं, इन्हें क्या एक अटक शहर, एक छोटा सा शहर है, मेरा ख्याल है कि मैं अटक सिटी से हूं, तो मतलब एक छोटा सा शहर है, मतलब आप उसकी में वॉक करें तो आप मेरे ख्याल में कि आधे घंटे में वो सारा शहर खत्म हो जाता है। तो जो सराफा बाजार है, सराफा बाजार से लेके वो जो टैक्स कलेक्शन या एक्साइज कलेक्शन वालों को जो दफ्तर है, मेरे ख्याल में ये 15 मिनट की वॉक के ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की वॉक के ऊपर है, बल्कि उनकी गली में 400 नार बैठे होंगे जहां पे ये टैक्सेशन के जो ऑफिस हैं। क्या उनको नहीं पता कि यहाँ पे 550 दुकानें, कम अज कम 500 दुकानें ज्वेलर्स की अटक शहर में, कम अज कम, ठीक है? तो क्या उनको नहीं पता? उनको सब पता है, इन सबको सब पता है कि कितने पैसे इकट्ठे होते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, कितनी चीजें हो रही होती हैं। अगर सर मुझे पता है ना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों के साथ, मतलब मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला उस्ताद हूँ और आप एक किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं जिसका FBR से ताल्लुक नहीं है, अगर ये चीजें मुझे पता है ना, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इन्हें ना पता हो? इन्होंने तो चौनी चौनी गिनी होगी। उन्होंने तो सिर्फ बात यह है कि लेने हैं कि नहीं लेने हैं, ये दो अलग बातें। तो इसलिए मिनिस्टर्स को पता है, मिनिस्टर्स भी ना बाज वो टीवी पे बैठ के बोंगियां मार रहे होते हैं, मतलब वो उन्हें भी पता होता है कि हम बोंगी मार रहे हैं, सुनने वाले सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं बड़ा इस पे कन्विंस्ड हूँ कि मतलब मेरे जैसा बंदा जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला आदमी है, अगर मैं बैठ के अपने लैपटॉप पे बैठ के इनके दिए हुए डेटा पे अगर मैं इकोनॉमी का साइज कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो इनके पास तो पूरी इकोनॉमिक्स की मशीनरी है, ये कैसे नहीं कर सकते? ये खुद बिजनेसमैन है, ये खुद काम कर रहे हैं। मिफ्ता क्या बिजनेसमैन नहीं है? असद उमर क्या बिजनेसमैन नहीं है? ये खुद कर सकते हैं, इन्हें खुद पता है, ये खुद उसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो खाली बातें हैं ना सर करने वाली, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं करना है वो एक अलग बात है, वो उसके ऊपर हमें अलग अलग बहस हो सकती है सर। एक और सवाल है मौजूद तू साहब की तरफ से, मौजूद साहब सर आप प्लीज। कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज क्लियर डॉक्टर है। साहब जी, डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप के बिहाफ पे और अपने जाती बिहाफ पे मैं आपका जाती तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ बिजनेस के अंदर आपने टाइम निकाला और हमें एड्रेस किया और साथियों को बड़ा फायदा हुआ। आई एम रियली थैंकफुल, अल्लाह ब्लेस यू फॉर दिस एक्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड काइंडनेस। बाकी आपने जो चार पांच अहम पॉइंट हाईलाइट किए हैं उसमें से एक करप्शन है, उस पे कुछ बहुत ज्यादा आपने एलेबोरेटेड बात नहीं की, लेकिन दो तीन चीजें मैं क्वेश्चन काम नहीं करूंगा बल्कि कमेंट करके, चूंकि टाइम भी क्लोज हो रहा है, मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कहा कि हमारा श्रिंक हुआ है या कलेप्स हुआ है या थोड़ा हुआ है, तो उसकी दो तीन वजूहात थी कि हमारा वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कभी मिलिट्री आ रही है कभी सिविल आ रहा है, और एक मेजर वजह है ये 2003 ऑनवर्ड जब शॉर्टकट अजीज आए हैं तो इन्होंने एक पॉलिसी डेवलप की थी ट्रेड लिबरलाइजेशन के हवाले से, तो उसमें इन्होंने जो हमारा पहले चंदा बैटरी सेल चल गया 25-30 साल, वो हमने अपने स्पेशल टैरिफ डिजाइन किए हुए थे, अंडर प्रोटेक्शन थी इंडस्ट्री और वो चल रही थी। चाइना ने ना सिर्फ प्राइस कम की बल्कि उन्होंने डंपिंग भी की है थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज। मेरा वो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ी है, प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स ज्यादा की, जिस तरह वो एजुकेशन वालों का कार्य थे, आई एम अ प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट। 15 साल से मैं डीपली इन्वॉल्व हूँ चाइना के साथ बिजनेस में।
तो उन्होंने बहुत सारे वहां इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे डेवलप किए, जिस एरिया को डेवलप करना होता था वहां कहीं बिजली फ्री कर देते थे, कहीं टैक्स हॉलीडे देते थे और कहीं जीरो रेटेड लोन फॉरवर्ड करते थे, जिसकी वजह से उनकी इट वॉज नॉट जस्ट वन फैक्टर ऑफ मास प्रोडक्शन, ये इट वॉज वेल प्लान्ड गवर्नमेंट सपोर्ट ऑन द बैकअप ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ चाइना। तो वो तो उन्होंने डंपिंग की ही की, लेकिन हमारे यहाँ दूसरी जो मिस्टेक या मिसमैनेजमेंट या करप्शन बेस्ड नॉन डेटा रिसर्च बेस्ड पॉलिसी की वो इम्प्लीमेंटेशन, उसमें इन्होंने उसको बहुत ज्यादा टैरिफ रिड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ फिजिबल नहीं रही, ये एक फैक्टर था। सोशल इंडिकेटर के हवाले से आपने जो चीजें मेंशन की उसमें सबसे अहम चीज मैं शेयर कर देता हूँ जो बड़ा जनरलाइज आपको व्यू देगा किसी भी इकोनॉमी की, अब वो है मिडिल क्लास। पाकिस्तान की मिडिल क्लास ऑलमोस्ट स्टेग्नेंट है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से स्लाइटली श्रिंक हुई है। चाइना ने गुज़श्ता 20 सालों में अपनी मिडिल क्लास 4% से बढ़ाकर 56% पे ले गए, एंड दैट इज अ रियल चेंज जो हमें चाहिए। तो बेस लाइन वही है कि 7-8 जो सिक्स सिस्टर इनसे जान छुड़ाई जाए बियॉन्ड पॉलिटिकल विल और उनकी भी ट्रू वैल्यू के साथ। ये 91-92 में जब MCB सेल हुआ है, नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट है, ये भी अंडर वैल्यू था और दैट्स व्हाई उन्होंने फिर उसको ओवर वैल्यू करके थ्राइव कराया। और अगर इन 7-6 सिस्टर से जान छुड़ा ली जाती है नंबर वन, और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान ने, जितने भी अब तक किए सारे नेगेटिव किए, और उसकी वजह वो करप्ट सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है जो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है जो डेटा पे नहीं चलती। और खुद जाती तौर पे मेरी समझ में नहीं आता, मैं पाइड से भी इन टच हूँ 92 से नवाब हैदर नकवी साहब के दौर से, कि पाइड जैसे कंपिटेंट इदारे की मौजूदगी में इतने रिसर्च पेपर छापे जाते हैं, मैं कोई 20 AGM अटेंड कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, तो इस इतने कॉम्पिटेंट रिसर्च के बावजूद ये रिसर्च वाला डाटा प्लानिंग कमीशन की टेबल पे और प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे क्यों नहीं पहुंचता, कि जिसके नतीजे में हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है। और एजुकेशन वाली बात भी आपने बिल्कुल दुरुस्त की, मैं नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी का मेंबर हूँ 6-7 डिसिप्लिन का, और मेरा एक बेटा है 6ठी जमात में था, उसको मैंने 2 साल ट्रेन किया, वो MBA वालों को ट्रेन करता था और मुझसे पूछा था 6ठी जमात में होते हुए जब माइक्रो ऑफिस उनको हेल्प करता था इंटरनीज को, कि बाबा जान ये यूनिवर्सिटियों से क्या प्रोडक्ट निकल रहा है, मैं क्या बेटे वही है जो हम दे रहे हैं वही निकलेगा। तो थैंक यू वेरी मच विद दिस लाइट कमेंट, इस पे आपको फर्दर कमेंट करना चाहें तो ये है कि ये जो 8% की हमारी इकोनॉमी है, वैसे अमेरिकन इकोनॉमी भी श्रिंक हुई है, वहां भी वेल्थ कंसंट्रेट हुई है 1% पे, वो 60% उनकी मिडिल क्लास थी 1970-75 में और अब वो 40% रह गई है। तो टेक्निकली स्पीकिंग खुद अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त बहुत हेल्दी नहीं है, तो जो हेल्दी ट्रेंड हमें नजर आ रहा है चाइनीज इकोनॉमी में नजर आ रहा है कि उन्होंने अपनी मिडिल क्लास को बहुत ऊपर लेके गए और हम स्टेग्नेंसी है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ का फैक्टर रहे तो हम भी मिडिल क्लास को श्रिंक हुए टू अ सम एक्सटेंट बट लेसर देन USA। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें जब हम ना इकोनॉमीज को डिस्कस करते हैं, देखें अब तो मतलब इकोनॉमीज को ना पाकिस्तान को ना किसी और इकोनॉमी से कंपैरिजन करना बेसिकली उस दूसरी इकोनॉमी की तो ही नहीं समझे आप, मतलब वो अब ना देखिए बांग्लादेश यार हमारा क्लब छोड़ गया ना, या वियतनाम हमारा क्लब छोड़ गया, मतलब वो अच्छे हो गए। देखिए आप एक सिंपल से 2-3 रेशोज लेना, पाकिस्तान की जो सेविंग थी आज से 20 साल पहले, उस वक्त जो बांग्लादेश की या वियतनाम की जो सेविंग थी, हमारा उससे सेविंग नीचे आया है, हमारा उससे इन्वेस्टमेंट नीचे आया और मुसलसल नीचे आ रहा है, हमारी उससे जो टैक्स कलेक्शन है नीचे आ रही है और मुसलसल नीचे आ रही है, हमारी करप्शन ऊपर जा रही है और मुसलसल ऊपर बढ़ रही है। सर डिबैकल ये है, कभी इकोनॉमी श्रिंक हो, कभी ऊपर जाए, कभी इसको मैं कहता हूँ हमारी कैपेसिटी खत्म होती चली जा रही है। देखिए मसला ये नहीं है कि मैं काम करता हूँ या काम नहीं करता हूँ, ये एक अलग इशू है, मेरे काम करने की कैपेसिटी है कि नहीं है ये एक अलग इशू है। मैं मतलब देखिए मुझे दौड़ना आता है, मैं अगर चाहूँ ना मुझे पता दौड़ते कैसे हैं, लेकिन मैं ओलंपिक्स में तो नहीं दौड़ सकता ना, मतलब वो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मतलब या मैं कोई रेस तो नहीं दौड़ सकता ना, मुझे वो मेरी कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह से मतलब वो मुझे ये पता है कि इकोनॉमी में हमें चीजें पता है कि यार ये कैसे होंगी, वो हमारी कैपेसिटी खराब हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, हमारा बच्चा पैदा करना चाह ही नहीं रहा,
मतलब देखिए हम ना रुले किस तरह से हैं। मैं कल भी एक मेरा दोस्त था तो मैं उससे बात कर रहा था कि यार देखो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, इसका क्या काम है एमबीए कराने में, हम अपने काम छोड़ चुके हैं यार। मतलब हम एक अच्छा मैथमेटिशियन, मेरे कायदे आजम यूनिवर्सिटी में आप आ जाए, एक हमारे प्रोफेसर हैं वो कम अज कम कफायत जानता है उसको, कादर भी जानता होगा उनको, वो कम अज कम साल में 125 पेपर पब्लिश करते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई दुनिया में भी कुछ जानता होगा। तो उन 125 पेपर जब पब्लिश करने का फायदा क्या है, किस किस्म की रिसर्च हम कर रहे हैं, ये किस किस्म की तहकीक कर रहे हैं हम, या मतलब मैं क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ दुनिया में, मतलब या हम जो रिसर्च कर रहे हैं मैं कौन सी रिसर्च कर रहा हूँ कि जिससे मेरा मतलब हमें बीमारी हो गई है नंबर ऑफ पेपर पब्लिश करने की, वो जो आप बात कर रहे थे ना एजीएम्स की, और वो जो आप हमें आपने वहां पे देखा होगा बड़े वो उसमें हम चाहे उसको जितना मर्जी वो अच्छा बना के पेश कर लें, लेकिन हम आपस में बैठे हैं इस वक्त सारे। तो क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा पेपर आया हो जिसमें आपने कहा हो कि हाँ यार ये काम हो जाए तो ये काम ठीक हो जाएगा, अच्छा चले आ गया है पेपर, लिख दिया पेपर, वो जब उसकी टेबल पे पहुंचता है, जिसकी टेबल पे भी पॉलिसी बन रही होती है, जो बंदा पॉलिसी बना रहा था वो अल्लाह की कसम पहले ये सोच रहा है कि मुझे यहां से क्या फायदा होगा, मैं कौन हूं, मेरा फायदा यहाँ पे क्या है। सर जब तक ये एटीट्यूड नहीं निकलेगा ना, ये बीच में एक क्वेश्चन आया हुआ था बड़े मजे का निसार सईद साहब का, नासिर साहब का, कि यार कि जो बेसिक पे स्केल 1 से 22 तक की तनख्वाहें तय हैं तो ये फिर ये 35-40 लाख वाले कहां से आ जाते हैं। तो सर बात यह है कि सबसे पहले हम सोचते हैं, वो मेरा छोटा भाई है वो लाहौर नॉलेज पार्क का सीईओ है, तो उसने पिछले दिनों में टेक्नोपोलिस का एक ना इमरान खान के दौर में, उस्मान बुज़दार के दौर में एक कोई बिजनेस डील साइन करनी थी, तो वो जो बंदा बाहर से आया था ना अमेरिका से सिलिकॉन वैली से इनके साथ वो चीजें साइन करने के लिए, तो वो जब साइन हो रहा था तो उसमें 3 बिजनेस पार्टनर थे, वो 3 बिजनेस पार्टनर बाई गॉड तीनों मिनिस्टर्स बैठे हुए थे सामने, मतलब मिनिस्टर्स अपना बिजनेस उसके साथ साइन कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। वो जो बात कर रहे थे ना डॉक्टर कफायत कि जी पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरह, पॉलिटिकल इकोनॉमी यहाँ पे आती ही नहीं है मुल्क बनाने के लिए बॉस, आती हम जब भी पॉलिसी बना रहे होते हैं हम ये मुझे रूल्स लिखने के लिए दे देना आप पाइट के, सबसे पहले मैं देखूंगा कि यार इन रूल्स में मेरा फायदा कहां पे निकलता है। तो ऐसे तो सर ना मुल्क चलता है, ना इदारा चलता है, ना मल्ला चलता है, ना कोई स्कूल चलता है। तो आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, जज्बातियत से हट जाए थोड़ी सी देर के लिए ना हम, तो मैंने शुरू में पहले 4 लफ्जों में ये बात की थी कि अब अभी अभी हम कामयाबी से बहुत दूर हैं, हम जितना मर्जी इसको ना लफाजी में ले जाएं, जितने मर्जी अच्छी हम चीजें कर लें, मैं आपको जितने मर्जी अच्छे लफ्ज बयान कर दूं, लेकिन जो ट्रू करेक्शन है इकॉनमी की उससे अभी हम बहुत दूर है। आज ठीक करना, मोइन कुरैशी याद हो गया आपको, मोइन कुरैशी आए थे इंटरिम गवर्नमेंट के लिए कुछ अरसे के लिए, तो जाते हुए नईम बुखारी ने उससे वो 93 की बात है ये मेरे ख्याल में, तो जब ये जा रहे थे तो वो उस वक्त वो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक थे उस वक्त वो मोइन कुरैशी, तो वो जब जा रहे थे तो उसने उसको कहा था मोइन बुखारी, नईम बुखारी ने मोइन कुरैशी से इंटरव्यू लेते वक्त उसे कहा था कि यार के तुम्हें कितने साल दिए जाएं तो तुम इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान को ठीक कर लोगे, तो उसने कहा यार कि मेरी ना बड़ी अच्छी वाली कैलकुलेशन ये है कि मुझे अगर 10 साल दिए जाए ना तो इस 10 साल में इकॉनमी ठीक हो सकती है पाकिस्तान की। सर ये 93 की बात, 93 में 10 साल चाहिए थे इकॉनमी ठीक करने के लिए, सर 93 से 27-28 साल और ऊपर चले गए हम और इसमें करेक्ट कुछ नहीं हुआ है। कल बात हो रही थी तो वो कहते थे जी कि वो हम ना पहले से बेहतर हुए हैं, किसी ने हम बात करते हैं मिसालें में दी जाती हैं, हम पहले से बेहतर हुए हैं कि जी हम पहले कपड़े इस्त्री करके नहीं पहनते थे, अब कपड़े इस्त्री करके पहनते, पहले हम रोटी नहीं खाते थे, बर्गर नहीं खाते थे, KFC का वो बर्गर हम खा लेते हैं, पहले हम फलानी गाड़ी में बैठते थे, फलानी गाड़ी में नहीं बैठते, हम फलानी गाड़ी में बैठते हैं। सर हम ये इसे हम कहता होता हूँ कि ये ना ये वो बैगर्स दाई नेबर पॉलिसी है, कोई अच्छा कर रहा है, प्रोड्यूस कोई कर रहा है, कंज्यूम हम कर रहे हैं, असल दुख ये है कि मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हूं, मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैं कंजम्पशन कर रहा हूं ऑन द कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड, कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, वो जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं ना कफायत कादर, वो जो ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल, यही है ना कि अगली जनरेशन की कॉस्ट में हम आज जी रहे हैं, आने वाले लोगों को ना हम पानी दे के जा रहे हैं, ना रोटी देने दे के जा रहे हैं, ना रिजर्व दे के जा रहे हैं, ना बिजली दे के जा रहे हैं, ना जॉब्स दे के जा रहे हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग दे के जा रहे हैं, दे के क्या जा रहे हैं हम लोग। इसलिए सर इश्यूज हैं अभी इकॉनमी, यू आर वेरी वेरी राइट, मतलब जितने भी आप दुख मुझे शेयर करें मैं बिल्कुल सबको ऑन करता हूँ। सर प्लीज बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम भी हमारा हो गया है, बस आखिरी बस एक पॉइंट जो मैं क्वेश्चन बस रखना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी बात की थी
कि बिल्कुल सारी बातें सामने आ गई हैं, और जैसा कि अभी मौजूद दूर साहब भी बता रहे थे कि पायलट के पास भी रिसर्च के पलंदे पड़े हुए हैं, और भी बड़े एक्सपर्ट्स हमारे हैं, मुल्की मुल्की भी हैं, गैर मुल्की भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि भाई आपके मसाइल ख़राब हैं, लेकिन वो मसाइल सही होने का नाम नहीं ले रहे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है। हम बात करें निसाक के जो है ना उसकी इकोनॉमी के हवाले से, निसाक की बात कर रहे हैं, पहले भी हुई है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का मिसाक नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको इदारों का मिसाक भी चाहिए, तमाम के तमाम उस मिसाक में शामिल होंगे तभी चलेगा। तो वही प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं इस वक्त, यानी जो रियली अब यू हैव टू थिंक प्रॉपरली नाउ कि अब वे फॉरवर्ड, अब मुस्तकबिल हमारा जो है वो दौर पे लगा हुआ, आपने तो जो पिक्चर खींची थी पहले कुछ उम्मीद थी तो वो भी अब जो है ना खत्म होती नजर आ रही, तो अब यह है कि प्रैक्टिकली अब हमारे पास क्या कुछ क्या हम कर सकते हैं। एक तो आपने बात की कि जी एक हमें मिसाक चाहिए, बड़ा एक बिल्कुल वाज है, दूसरी और दो तीन पॉइंट्स अगर आप बता दें ताकि उसके वजह से अवाम में शऊर बेदार किया जाए, ताकि देखिए अवाम के अंदर शऊर होगा तो अवाम का भी एक प्रेशर आएगा, अवाम का भी एक जो है नुकता नजर सामने आएगा, तो शायद ऊपर जो बैठे मुख्तार हल्के हैं चाहे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी सोचने में दूर हो जाए, वरना आपकी बात सही है, यहाँ पे वो लोग जो जो काबिज हैं हमारे ऊपर वो तो वही पॉलिसियां बनाएंगे जो उनको फायदा देंगे, तो इदारे जो हैं वो इस तरीके से नाकाम होते जाएंगे। मतलब डॉक्टर इरशाद हुसैन की देख लें, आप देखें रिसर्च सारी मौजूद है, डॉक्टर इरशाद हुसैन की अगर आप पढ़ लें गवर्निंग दान के बारे में, उसमें उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि हमारे इदारे जो है किस तरीके से खराब हुए हैं। और अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर जो बेस्ट सेलर अभी बुक रही है वाई नेशंस फेल, उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि इदारे जो हैं वो जब तक ऐसे नहीं होंगे कि जो अवाम के कि जो फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाए तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब ये दो तीन बस पॉइंट बता दें ताकि उस पर हम इसको कंक्लूड करते हैं। सर एक ही बात है, देखें हमें अगर इकोनॉमी को ठीक करना है ना, हमें किसी न किसी तरीके से पिटे मरे खून की नदियां बहाए, हम जो मर्जी करें, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। जो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, वो चाहे हम रोके बढ़ाएं, चाहे हम मांग के बढ़ाएं, चाहे हम किसी भी कॉस्ट पे बढ़ाएं, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, जब तक चीज पैदा नहीं करेंगे हम जीने के काबिल ही नहीं है, ये पक्की बात है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब देखें हमारी हमारी आबादी होती ना थोड़ी तो चल जाता होता है कंजम्पशन। देखें हम कहते होते हैं कि यार कि आपकी ना जो इकोनॉमी की पूरी ओवरऑल जो इनकम बनती है वो दो चीजों से बनती है, या कंजम्पशन से बनती है या इन्वेस्टमेंट से बनती है। अगर हमारी आबादी होती ना थोड़ी तो हम शायद चल जाते, लेकिन हमारी आबादी अब 22 करोड़ ये बहुत बड़ा नंबर है। हमें इस वक्त हमारी जो पर कैपिटा इम्पोर्ट है, पर कैपिटा इम्पोर्ट ये हमारे कंपिटिटर में सबसे कम है, $92 है, $92 है पर कैपिटा इम्पोर्ट हमारी, मतलब $92 में हमने पेट्रोलियम भी इम्पोर्ट किया हुआ है पर कैपिटा, हमने पेट्रोलियम भी है, हमारा मोबाइल भी है, हमारे लैपटॉप्स भी हैं, हमारे कैमरे भी हैं, दुनिया जहान की चीजें हमने इम्पोर्ट की हुई है। बांग्लादेश का है ₹290 और इंडिया का है ₹340-350 पर कैपिटा इम्पोर्ट, और वियतनाम का 1000 से ज्यादा पर कैपिटा इम्पोर्ट है। उनका प्लस पॉइंट क्या है कि उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, वो कमा रहे हैं, वो कमा कैसे रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, वो चाहे हम करप्शन से करें, हम नॉन करप्शन से करें, हम चोरी करके करें, काला चोर आके इन्वेस्टमेंट करें, या आपको मौलवी साहब आके इन्वेस्टमेंट करें इधर, इसके अलावा आपकी इकोनॉमी ठीक होने वाली नहीं है। आपकी इकोनॉमी का बेस बिल्कुल तबाही के धाने पे पहुंचा हुआ है। आपको वहां पे गवर्नमेंट अगर लिटरली चाहती है, मतलब कोई बंदा चाहे वो गवर्नमेंट का नाम आप मिलिट्री रख लें, गवर्नमेंट का नाम आप पॉलिटिशियंस रख लें, गवर्नमेंट का नाम आप इदारे रख लें, जो मर्जी रख लें, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी बचे तो एक ही चीज है, आपने अगले 10-12-15 साल आपने किसी, यार ये बहुत बड़ी लेबर है, देखें बड़ी सादे से दो नंबर हैं, आप ये कैलकुलेट कर लेना, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ है 5%, 2%, 2.5% आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ है, 2-3% अगर आप इन्फ्लेशन में लगा दें तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ तो तबाह हो पड़ी है। तो आप तो बिल्कुल प्रोडक्टिविटी आपकी बिल्कुल, जब तक आप इसे इन्वेस्टमेंट से नहीं भर देंगे तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है कंट्री। और आपका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है पिछले 25-30 साल में वो यही इन्वेस्टमेंट ही इसने खराब किया है। एक तो ये बात है, एक दफा आपकी इन्वेस्टमेंट रिवाइव होती है और ये 10-12 साल रिवाइव हो, 10-12 साल पहले 2-3-4 साल आपको प्रॉब्लम रहेंगे, आपको इम्पोर्ट्स भी आपको ज्यादा करनी पड़ेंगी, आपको डॉलर पे भी हिट खानी पड़ेगी, आपको इन्फ्लेशन भी आएगा, आपका ग्रोथ भी गिरेगा, सारे काम होंगे, ये सबको पता है। ये इसमें वो जो हम जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं ना, वो ये बात नहीं है, वो ये बात है कि जिससे कि आप इकोनॉमी को जरा सा फ्यूल करने की कोशिश करते हैं तो होता ही है कि आपका डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, कोई और चीज होती है, आपको ना आपके हाथ पांव फूल
जाते हैं सबके कि जी वो हो ये तो नंबर खराब हो गया है तो ये तो हमें वोट नहीं मिलेंगे, तो कम अज कम इससे बाहर निकल आए कि वोट मिलते हैं या वोट नहीं मिलते हैं, यार ये तीन चीजें आप नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दफा आपकी इन्वेस्टमेंट पैटर्न सेटल हो जाता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है। हम बीए में थे तो एक के डेविड की किताब होती थी, उसमें ना एक फिक्रा लिखा हुआ था, उसमें ना वो फिक्रा ना बिल्कुल वो मुझे ना वो बाइबल की तरह लगता है अपने आप। वो कहता है यार कि ना आपका डिमांड, आपका सप्लाई, आपका पैदावार और आपकी एम्प्लॉयमेंट, ये एक ही लफ्ज है जो कि मैं पांच डिफरेंट चीजों में मैं वो आगे बयान करूंगा। तो यानी कि आपकी जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पैदावार नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी आपकी रोजगार नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा आपका, आप इकोनॉमी को आसमान पे ले जाएं, जमीन की पाताल में ले जाएं, आप ठीक होने वाले नहीं है। सबसे बड़ी चीज आपके है कि आपका एम्प्लॉयमेंट सेटल होना चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट आपका सेटल विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये तय बात है। ये एक ही बात है, करप्शन वो ठीक कहते हैं, वो चाहे आप हम उस पर हंसे चाहे आप उस पर रोएं, करप्शन, बिजली महंगी होनी, बिजली सस्ती होनी, देखिए ये जो प्राइसेस होती है ना इन्फ्लेशन, या जो ये जो ये जो इन्फ्लेशन है या जो एक्सचेंज रेट है, ये सारी प्राइसेस हैं, प्राइसेस टेम्परेचर की तरह होती हैं, बॉडी के अंदर जो मौजूद होगा वो सामने आएगा। आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की तो प्राइसेस बढ़ेंगी, आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं है डॉलर प्रोड्यूस करने की तो आपकी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि आपकी रेवेन्यू बढ़े तो आपका डेट क्रिएट होगा। आपको अपनी बॉडी के अंदर पहले ये कैपेसिटी जनरेट करनी है, आपको अपनी बॉडी के अंदर ये चीजें लेके आनी है। आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें सेटल हो जाती हैं, प्रोडक्शन आप करना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन नीचे आएगा, दो चार सालों के बाद ऑटोमेटिकली आपका एक्सचेंज रेट आपका सेटल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके डेट के नंबर ठीक हो जाएंगे, ये तय बात है। तो आपने एक ही चीज पे ध्यान देना है और वो है इन्वेस्टमेंट, वो ठीक हो जाती है तो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक नहीं होती है आप जो मर्जी कर लें ठीक नहीं होगा, ये जैसे मर्जी कर लें। ये मैं आपको ना इसको ये आप ले आए ना एक स्टाम्प पेपर में उसके आपको लिख के देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर द ग्रेट सेशन, एंड जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी जरूर एंजॉय किया होगा इसे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे सबने, म्यूजिक सेशन था, इसी तरह के सेशन चला, हम आइंदा भी करते रहेंगे। इस सेशन की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उस वक्त नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपसे इजाजत, और डॉक्टर साहब का खुशी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने खूबसूरत से वक्त निकाला और हमें बहुत शुक्रिया, मौका दिया हम सोच सकें सही मानों में। यानी वाकई ये बातें जो आपने शेयर की हैं ये नहीं है सामने, यानी मेनस्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें डिस्कशन में नहीं आ रही, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल रियल सिचुएशन क्या है, वरना तो हम उसी एक जाना वो रोमांस में हैं कि पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान में जो है जाना अक़वामे आलम के फैसले होंगे तो ये बात ठीक है, एक वो मोटिवेट करने के लिए तो बात ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है वो डॉक्टर साहब ने बता दी है कि जी हमारा तो अभी अपना जिसम भी ठीक नहीं है, अभी हम तो अपने अंदर से ही सही नहीं है, तो अभी तो हमने बहुत कुछ सही करना है इससे पहले कि हम ये ख्वाब देखें कि ग्लोबल जो है वो क़यादत और सियादत हमें मिलेगी। बहरहाल ये फैक्ट्स हमारे सामने रहने चाहिए तभी इस्लाह की कुछ कोशिश हो सकती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब के सजेशन से हमारे सामने बात आई, हमें कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए हमारी क्या है। एक तो हकायक हक जो है वो जो भी बात हमने समझी उसको आगे लोगों को बताएं ताकि हकीकत का उनको पता चले क्या है, और फिर इसका जो वे आउट क्या है, डॉक्टर साहब ने जिसपे जिक्र किया बार बार, इस पर बात हुई है, मिसाल के मईशत के हवाले से बात हुई है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हुई है, इन्वेस्टमेंट बेस को बढ़ाने की बात हुई है, और इन्वेस्टमेंट को इनेबल करने के लिए डेफिनेटली फिर वो इन्वायरमेंट भी होना चाहिए जो कि नहीं है पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से बहुत कुछ जो है पॉलिसी साजी जो है करने की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इन सेशंस में हम ये डिस्कस करते रहेंगे। डॉक्टर साहब जो है वो डेफिनेटली आज तो उनका एक खास टॉपिक था, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हम डॉक्टर साहब को बाद में भी मदऊ करते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपको दवान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।